हेलो चोनो मुनो, सभी बटलियों जो भाई हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर लाइव प्रसारण है। सामान्य ज्ञान रोचक ज्ञान वर्धक प्रश्नोत्तरी चल रहा है भाई। हर रोज जीके प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत सब है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर लाइव और साथ के साथ में यूट्यूब पर लाइव, जिसमें बच्चों से गणित, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हरियाणवी बोली समझ, हरियाणवी संस्कृति और साथ के साथ में अपने जो अगर करंट की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें पूछी जाती हैं। हर रोज़ हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर 8 बजे भाई। सतीश गोयत जी स्वागत आपका, करमीर गोयत जी, अनुज गोयत जी लाइव प्रसारण में, कुलदीप गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी चुन्नू मुन्नू बटले हो जो भाई, सबकी चूल्हा न्योंद है, दादा लेवर पोता बरता इसे प्रश्न है। और भाई बिल्कुल सारे बड़का का काम की चीज़ हुआ है टेस्ट की तैयारी करने खातर, थोड़ा सा सर्वे में शेर का जोटा मार दियो रही और भी बैंड दियो भाई आगे भी, ताकि जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जुड़ सकें, अपनी प्रश्नोत्तरी अच्छी तरह चल सके। अनुज गोयत जी, अनिल रोहिल्ला जी स्वागत है आप सबका, अनिल कुमार जी, देवेंद्र बयान जी, पंकज मेव छात्र जी, कुलदीप गोयत कापड़ो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। सुप्रभात सभी का, नमस्कार अनिल जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ौदा से दिल्ली में जाकर के। अनिल कुमार जी, बलजीत शास्त्री जी, राम राम जी सभी को, कुलदीप गोयत नमस्ते जी, अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसका मतलब अपने अपने चुनू मुनुआ के नाम लिखवा दियो भाई, आज रिबोलनी जरूरी है, नहीं तो नाम कट जाएगा। जो माँ हमें पुराने जमाने में कया करते भाई, तुम कर रवे स्कूल में कौन जाता, तेरा नाम कट गया, सब तक बड़ा डर होया करता जिंदगी का यू। तो गुड एफर्ट्स विकास, हरियाणवी सात रोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणवी संस्कृति की पहचान है, जो एक आशीष जांगड़ा जी, बलजीत जी, अनिल कुमार जी, अनुज गोयत जी, राम फलराम जी, भिवानी से विकास हरियाणवी भाई हमारे प्रयास को सराह रहे हैं, धन्यवाद भाई आपका विकास जी, आप भी बहुत अच्छे एक अच्छे गायन के क्षेत्र में हरियाणवी बोली के, और जो एक रागिनी एक विधा है हमारी, रागिनी विधा को आपने बहुत अच्छा सजाया संवारा है, और अच्छे प्रयासरत हैं, युवा हैं जो से आपके अंदर हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, नमन है आपके प्रयासों को। राकेश कुमार स्वागत है भाई आपका, कांध के कांध लगाया है, पड़ोसी मेरा गांव से जुड़ चुके हैं, खुशी और इसका मतलब है आदि आ चुके हैं, और सचिन है, सचिन भूमिया स्वागत है भाई, विकास हरियाणवी, अनिल कुमार, कुलदीप पंघाल जी स्वागत है, वंदना अक्षिता हमारे साथ आ चुकी हैं, वंदना और अक्षिता, वंदना अक्षिता खुशी और कुलदीप गोयत आईडी से बच्चे का नाम अंशु, अंशु आ चुका है हमारे पास, अंशु बेटा स्वागत है आपका, सुनील शिवाच जी स्वागत है आपका, बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं भाई, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर लाइव चलेगी, 1 घंटा का कार्यक्रम होता है लगभग, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं बच्चों से लाइव, उनके नाम लेकर के, और दृष्टि और आराध्या, दृष्टि और आराध्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दृष्टि बेटा स्वागत है आपका, आराध्या स्वागत है, तो बिल्कुल नए नए बच्चे हर रोज शामिल होते हैं, शशि कुमार तिवारी जी स्वागत है आपका, वीरेंद्र रोहिल जी भाई अपने चुनू मुनवाना पास में बैठा लो भाई, सबकी चूल्हा नौंदाड़ भाई दलबूद को नहीं करेंगे, अगला 1-1.5 घंटा अच्छी बात सीखेंगे, में जीके की टेस्ट की तैयारी, भविष्य में कोई भी पैरों पर खड़ा होना है, जिंदगी में कोई भी टेस्ट देना हुआ है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, भारत कुजन ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी है, हिंदी व्याकरण, जीके, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, रीजनिंग, सारी चीज़ सिखाई जावे भाई। आदित्य और खुशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदित्य बेटा आपका स्वागत है, मेरे पड़ोसी और राजेश कुमार भोरिया जी स्वागत है भाई आपका, बलजीत शास्त्री जी बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं भाई, नक्श हल्दी फार्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं नारायणगढ़ से, स्वागत है भाई सबका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रहा है, जिसमें बूढ़े वाले सवाल भी पूछे जावे हैं, जीके वगैरह भी, और खुशी दूसरी खुशी हमारे साथ जुड़ चुकी है, खुशी खुशी गुड़ पड़ी कुत्का मारा धड़ पड़ी, दो खुशी होगी भाई अगले, मुझे भी खुशी हुई बेटा आप सबसे मिलकर के, अच्छी प्रसन्नता मिलती है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई, थोड़ा सा शेर का चोटा मार दो, सरू वाली 2 मिनट महत्वपूर्ण हुआ है, वैसे अगला 1 घंटा एक तरफ और सरू की 2 मिनट एक तरफ हुए हैं, तो थोड़ा सा एक एक दो दो शेयर जरूर कर दें, और ज़्यादा बांट दें तो और भी बढ़िया होगा, तो सभी सैकड़ों की संख्या में बच्चे जुड़ते हैं, अच्छा आनंद लेते हैं। आर्यन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आयन 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 एक आर्यन है, तो आर्यन नाम लिख देता हूँ मैं, शायद प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक रही, आगे है भाई खुशी है और स्वागत है भाई आप सभी का। शिषपाल जी, मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोनिका बेटा स्वागत है आपका, रोल नंबर 31 हो गया है, आगे है भाई शिषपाल वर्मा जी स्वागत है, नक्श हल्दी फार्म, आयन कनिका, कनिका 32 रोल नंबर हो गया भाई, मोनिका कनिका मिलती जुलती नाम राशि है,
भाई छत्रपाल गोयत जी, इच्छा गुड़िया हमारे साथ जुड़ चुकी है, इच्छा बिटिया को पास में बिठाइए, मुझे नाम याद हो गया है। और संदीप आर्य जी, स्वागत है आप सभी का। अनुज गोयत जी, अनुज आपके साथ है भाई, अनुज आपसे फाइट करेगा। सभी बच्चों, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाई आपके पास पहला प्रश्न आ रहा है, अगर आपने थोड़ा सा इसका जवाब दे दिया है तो आप इसका मतलब अच्छे माहिर माने जाओगे। आपने बताना है, देखते हैं भाई कौन कौन अच्छी तरह से मतलब तैयारी करके आया है आज। भाई जो थोड़ा सा ध्यान से उत्तर देना है, मन लगा करके बच्चों को मौका दें ज़्यादा ज़्यादा। विनय हमारे साथ जुड़ चुका है, विनय भाई बड़े कोशिश ना करें, शेयर कर दिया राकेश कुमार, शेयर कर दिया भाई आदित्य ने, बहुत बढ़िया बिल्कुल। आयन नाम है, आयन आयन आर्यन लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं बेटा। आयन आपके स्वागत है, आपने बताना है, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। सूर्य में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है? सूर्य में खुशबू, गुड मॉर्निंग खुशबू बेटा, स्वागत आपका। इसी तरह से अपने कार्यों से खुशबू फैलाते रहिए, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से घर वालों को खुश करते रहिए। रितु सक्षम, दो बच्चे आ चुके हैं कर्मवीर गोयत आईडी से, रितु बेटा स्वागत है। और आजकल वर्षा ऋतु चली हुई है आपके नाम से, सामान्य की बात कर रहा हूँ मैं 2020 की 1 अगस्त की, नया महीना लग गया है। तो भाई सक्षम है, सक्षम स्वागत है बेटा, आप सक्षम बने, योग्य बने। विकास को विशन कौशिक है, स्वागत है भाई आपका। अनिल कुमार, सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? नहीं भाई, थोड़ा सा सुधार करें, कोई बात नहीं। चलो बच्चे को ये तो पता है भाई, हीलियम भी कोई गैस होती है, लेकिन हीलियम नहीं है। देखते हैं भाई, देवेंद्र भ्यान जी, सुनील राठी जी, सूरज में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? हीलियम में तो परिवर्तित तो होती है वो। और पंकज छात्र, सही उत्तर दे दिया है भाई बिल्कुल। अनिल जांगड़ा हीलियम बोल रहे हैं, आशीष जांगड़ा हीलियम में तो बदलता है वो। बलजीत शास्त्री जी, बच्चा पास में बैठा आपके, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। सुप्रभात, संदीप शर्मा साहिल जी स्वागत कर रहे हैं आप, हाइड्रोजन भी सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, संदीप शर्मा साहिल 70% होती है। राकेश कुमार ने हीलियम उत्तर दिया आईडी से, थोड़ा सा सुधार करें बेटा, हीलियम में तो हाइड्रोजन बदल जाती है बाद में, विस्फोट होते हैं जो। और शुभम हमारे साथ जुड़ चुका है, शुभम बेटा स्वागत है आपका। बुढ़ियाले सवाल भी, रीजनिंग भी, जीके भी, सारी चीज़ आऊँगी भाई। रवि मोहर प्रणाम बोल रहे हैं भाई, प्रणाम भाई। रविंदर बालियान जी स्वागत है आपका, बच्चों को चुनू मुनू को पास में बैठाओ भाई, जिके प्रश्नोत्तरी चल रही है रिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर है। रवि मोहर जी, करमवीर गोयत जी, हाइड्रोजन उत्तर सही दिया बिल्कुल आपने, सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सुनील राठी जी सही उत्तर है बिल्कुल, बच्चे का नाम बताएं सुनील राठी जी, बच्चे का नाम जरूर बताना है, नहीं तो भाई जो बड़े जवाब दोगे, देखो मैंने बार बार बोल रखा है, जो बड़ा जवाब दोगे तो इसका मतलब है इतना बड़ा कान हो जाएगा तरक बाल का, प्यासी करेंगे फिर चश्मे कड़लाओगे। अगला भाई रोहता सेवाल जी स्वागत आपका, रवि मोहर जी सही उत्तर दिया आपने। तो छनो सिहाग जी स्वागत है, राकेश कुमार जी खुशी ने हाइड्रोजन उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया खुशी बेटा, H2 होती है। रविंदर बालिया ने सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन होती है। रामपद राम यानी कि दीप्ति और आकृति हमारे पास आ चुकी हैं, दीप्ति। बच्चों थोड़ा सा बीच में फोन के कारण डिस्टर्ब हो गए थे, फोन आ गया था, कोई बात नहीं। चलो आपने दूसरे प्रश्न का जवाब देना है, देखते हैं कौन जवाब देगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राष्ट्रीय जनगणना होती है जो हमारी देश की जनगणना होती है, वो कितने साल बाद होती है? अगला प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रीय, भाई एक बार बार फोन की ट्राई कर रहा है कोई साथी, मैं तंग कर रहा है खाम खां का भाई। अगर फेसबुक पे लाइव देख रहे हो मेरे को या किसी कारणवश भाई, खरक से रामचंद्र नाम से है भाई, ये बार बार कल परसों भी डिस्टर्ब किया था, मैं बार बार सहन नहीं करूंगा भाई ऐसी बातें, थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत मनोरंजक चीज़ होती है और उसमें बार बार तंग करना अच्छी बात नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। कुलदीप पंगाल जी से उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, रामपद राम जी, संदीप आर्य जी, रविंदर बालियान जी, वतन बनभोरी जी, सतीश गोयत, 5 साल तो नहीं होता, 5 साल के बाद तो इलेक्शन होते हैं हमारे, और 10 साल होते हैं। अच्छा उत्तर दिया सुनील राठी के पास, बच्चा बैठा है बिल्कुल, खुशी ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल, नरेंद्र सोलंकी ने, और कनेक्टी नितेश जी सही उत्तर बिल्कुल आपका भाई। कुलदीप गोयत आईडी से, अनिल कुमार, रवि मोहर, 11 साल तो नहीं है भाई, 10 साल होती है, 10 साल के बाद। सतीश गोयत आईडी से सही उत्तर बिल्कुल, विशन कौशिक जी सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई आपने सभी ने, अनुज गोयत भाई वाह, इस आईडी से बच्चों ने सही उत्तर दिया है, कमाल कर दिया भाई। हमारी राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 साल के बाद होती है। राकेश कुमार खुशी ने सही उत्तर दिया, दिनेश ढिल्लों नमस्ते जी, करमीर जी,
10 साल के बाद उत्तर दिया है सही, बिल्कुल। दयानंद जी, शिषपाल जी, संदीप शर्मा, साहिल जी, रोहतास सेवाल जी, कमाल कर दिया भाई, सभी बच्चे जीनियसों से हाथ लग गया आज भी। थोड़ा सा शेयर का चोटा मार लिया, और भाई थोड़ा सा हमें अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, देखते हैं भाई कौन सा जवाब सही देगा। खेलों से संबंधित प्रश्न आपके सामने है, क्रिकेट का पिच होता है जिसपे बैट्समैन टोरा मारने पाछर दौड़िया करा है उसके ऊपर भाई जगह रन लेने खातर है, तो भाई क्रिकेट के पिच की लंबाई बतानी है प्यारे बच्चों आपने, देखते हैं भाई कौन सा चुन्नू मुन्नू अच्छी तरह से जवाब दे पाता है। सुनील शिवाच सही उत्तर आ चुका है, लगभग सही है, कोई बात नहीं, 22.5 सही उत्तर है बिल्कुल। आशीष जांगड़ा, कनेटी नरेश सही उत्तर है, दिनेश ढिलों, रविंदर रबालियान, कमाल कर दिया भाई, बड़कान तो सारा ज्ञान है भाई, खेलना का भी, जनसंख्या का भी और भूगोल का भी भाई। बलजीत शास्त्री सही उत्तर है, संदीप पारिया जी, रवि मोहर जी, सतीश गोयत जी, अनिल जांगड़ा जी, देवेंद्र बिहान जी, तो सही उत्तर है बिल्कुल भाई। और एक बात और सूचना बता दे रहे हैं साथियों, थोड़ा सा अगर बीच में कट जाता तो दोबारा लाइव चलेगा प्रोग्राम, अगर किसी कारणवश बार बार ट्राई करता है एक बंदा, और अगर उसका फ़ोन मुझे अटेंड भी करना पड़ गया बीच में, तो लाइव प्रसारण चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम होता है ये अपना। तो दयानंद जी सही उत्तर है बिल्कुल, संदीप शर्मा, साहिल जी, अनुज गोयत जी, कुलदीप गोयत, बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया अंश ने, और शिषपाल जी, दयानंद जी, नरेंद्र सोलंकी, बच्चे का नाम बताएं भाई, अंकुश का नाम ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल, अंकुश का, तो बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। कुलदीप पंघाल जी 22 गज, बहुत अच्छा भाई बिल्कुल। और राघव शर्मा ने उत्तर दे दिया है विशन कौशिक आईडी से, राघव स्वागत है बेटा आपका, आपका रोल नंबर 63 है। दयानंद सिंडे ने यूज ब्लॉक्स कर क्या लिख दिया भाई, है क्या करना कहना चाह रहे हैं साथी आप। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा जवाब देगा, अगर इनमें से आप जवाब देते हैं तो इसका मतलब भारत के बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि, अंशु ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल भाई, अंशु स्वागत है बेटा आपका, पड़ोसी है मेरा, मैं तेरा बाबू का डब्बी छूँ, गल्ला खेलिया करते बचपन में भाई। 5 नदियों की भूमि कौन सा राज्य कहलाता है, आशीष जांगड़ा यानी कि विनय ने सही उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया। वतन बनभोरी, दोनों बनभोरी वाले अंडे जवाब देवा भाई। राघव शर्मा सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, रामफल राम जी, आकृति दीप्ति ने सही उत्तर दिया है, देवेंद्र जी, बलजीत शास्त्री जी, शिषपाल वर्मा जी, राकेश जी, खुशी ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, सुनील शिवाच बहुत बढ़िया भाई, दिनेश ढिलों भाई वाह, कुलदीप पंघाल जी, मनदीप राज पुनिया जी, रवि मोहर जी, करमवीर गोयत जी, बहुत अच्छा भाई, सारे एंडी रे 100 के 100 जमा भाई, अड़े तो जीनियस बैठे हैं, तो हाथ लग गया भाई एंडी, बड़का गल है बेरा नहीं भाई, कड़ ला के छोड़ेंगे हरिकेश अंकल की। कुलदीप गोयत, अंशु ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, राकेश ने, कुलदीप पंघाल ने, अनुज गोयत ने, नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अंकुशका ने पंजाब उत्तर दिया भाई वाह, सतीश गोयत बहुत बढ़िया, खुशबू, खुशबू बेटा स्वागत है आपका, खुशबू ने सही उत्तर दे दिया है, सत्यवान पुनिया जी, दयानंद सेंडे जी पंजाब उत्तर दे रहे हैं, बच्चे का नाम बताएं दयानंद जी, बच्चे का नाम जरूरी है, 5 पानियों का समूह, 5 नदियों का समूह, रावी, व्यास, झेलम, चिनाव, ये नदियां जो सतलुज वगैरह बहती हैं उनके कारण ये पंजाब नाम पड़ा हुआ है, पंजाब। दर्शित ने उत्तर दिया है, दर्शित स्वागत है बेटा आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, दर्शित हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव चैनल पर। रोहिता सेवाल ने 22 गज उत्तर दिया है पिछले प्रश्न का, बहुत अच्छा उत्तर है बिल्कुल। रोहतास जी बच्चे का नाम बताएं, हमारा भतीजा क्या नाम है। दयानंद जी, श्रेया, श्रेया ने उत्तर दे दिया भाई, बहुत अच्छा श्रेया बेटा, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ों पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बुढ़ाना सवाल भी पूछा गया था कल आपसे, जिसमें हरियाणा के मतलब है जो एक आदमी हो 4 थाली लेवा है, पंजाब का एक आदमी 2 थाली लेवा है, राजस्थान का एक आदमी मतलब 4 आदमी 1 थाली लेवा है। बुढ़ाना सवाल था भाई, 100 बर्तन करने हैं, 100 आदमी करने हैं, तो उसमें कोई भी जीनियस अभी तक नहीं बन पाया है, वैसे बता देते हैं हरियाणा का जो ताऊ बर्थ होते वन मिले भाई, मन तो 4 थालियाँ में खाना सा, तो 6 आदमी थे भाई। बुढ़ाना सवाल का उत्तर आ रहा आपके सामने, तो 6 आदमी थे हरियाणा के, हरियाणा के ने 24 थाली ले ली, इसी तरह 30 आदमी थे पंजाब के, उन्हें 60 थाली ले ली, और बाकी के जो बच गए भाई 36 और 6 वो 36 64 राजस्थानी थे, उन्होंने 16 थाली ले ली, तो 100 थाली होगी और 100 आदमी हो गए। ये बूढ़े वाला सवाल था भाई,
किसी ने नहीं आया, इसका मतलब लक्ष्य पुनिया स्वागत है भाई आपका। भाई बूढ़े द्वारा बैठा करो, पैर पूर बोचा करो और ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्ञान प्राप्त कराया करो। बूढ़े जो क्या करें पढ़िया था कढ़िया गणा बाधु होया कर ऐसा, तो भाई ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ उठावांगे अनुभव होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल बताओगे तमें काटोगे नरी पेन कापी ठाण तैर मतलब चाहे कि मैं कर रहे हो वहाँ पे एम ए बी एड बी एम जो भी है, लेकिन नहीं हो सकता। गुरु जी आपका यूट्यूब पर लाइव है? हाँ क्या यूट्यूब पर लाइव चलेंगे भाई, थोड़ा सा मोनेटाइज होने दो साथियों, आपका सहयोग उसमें मोनेटाइज में जरूरी है। अगर मोनेटाइज हो जाता है तो चैनल पर यूट्यूब पर लाइव चला करेंगे। हरिकेश कापड़ो नाम से है, यूट्यूब चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, फेसबुक का पेज भी है और फेसबुक लाइव आपके सामने मैं अभी बोल ही रहा हूँ। तो YouTube पर लाइव आया करेंगे, प्रश्नोत्तरी अच्छी लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा लेवल होगा भाई। जो जीके की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा में एच टेट सी टेट एच एस एस सी लेवल का कोई भी टेस्ट है, कलर्क है, ग्रुप डी है, उसके लिए तैयारी करवा करूंगा। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भी जुड़ें और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा। कम से कम मतलब एक मन सुनाएंगे तो एक कण तो याद होगा उसमें तभी। तो YouTube पर लाइव सामान्य ज्ञान जीके जी में टेस्ट की तैयारी करवाई जा करगी, रीजनिंग गणित भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र बहुत ज़्यादा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो सारे का सारा उंडेल दूंगा भाई। 5 साल से ग्रुप चला रखा था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर जितनी भी पोस्ट आई है उसको सारा रिकॉर्ड करके ऑडियो के तौर पर यूट्यूब पर डालने जा रहा हूँ धीरे धीरे साथियों, हजारों की संख्या में पोस्ट मिलेंगे। अनूप सोरेन स्वागत है भाई आपका, सिरोया रणवीर जी घनघस स्वागत है भाई आपका, रमेश गोयत जी मैसे स्वागत है भाई रमेश, अनिल शर्मा जी स्वागत है, अपना पड़ोसी देख रहा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा अच्छा जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप महाभारत देखते हैं। अभिमन्यु की माँ का के नाम था रहा है चुनु मुनु, अभिमन्यु की माँ का के नाम था भाई लड्डू, देखांगे कौन सा जवाब देगा भाई। महाभारत किसने देखी है, चक्कर व्यू तोड़ा था उसने, अर्जुन का बेटा था भाई। अच्छा 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 थैंक्स दयानंद जी स्वागत है आपका, आपने धन्यवाद बोला है और गुरुजी मैंने दोस्त को लिंक शेयर कर दिया, धन्यवाद भाई दयानंद जी आपका जो शेयर कर रहे हैं भाई। मड़ा सा और कंजूसी ना बरतो रहे मड़ा, एक एक उंगली मार दो, गुंठा पाक रहा हो तो कि मैंने पार्टी बांध कर मार दो भाई। रणवीर घनघर जी स्वागत है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं प्रोग्राम को, धन्यवाद आपका। नरेंद्र सोलंकी जी सही उत्तर आ गया है भाई हमारा नरेंद्र सोलंकी आईडी से। देवेंद्र जी बहुत बढ़िया बिल्कुल, सतीश गोयत जी कमाल कर दिया भाई, बालक जमा सही महाभारत देखा है भाई। कुलदीप गोयत आईडी से भाई घनघस की, दयानंद जी, राकेश कुमार जी, कुलदीप पंगाल कमाल कर दिया भाई, सारे एंडी पड़े हरे बालक अडे तो भाई कौन सा भी नहीं थाना। खुशी ने सही उत्तर दे दिया बलजीत शास्त्री की तरफ से, आईडी की तरफ से मनदीप आर्या जी बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल, राकेश कुमार, सुनील राठी, पंकज में 76, द्रौपदी तो नहीं था भाई, द्रौपदी नहीं था, दयानंद राठी जी सुभद्रा था भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया, अनुज गोयत जी सुभद्रा बहुत अच्छे भाई, बलजीत शास्त्र देख रहे हैं भाई, बलजीत जी स्वागत है आपका, छत्रपाल जांगड़ा जी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, अपने चुनू मुनवाना पास में बैठा लो भाई, थोड़ा सा कंजूसी क्या कर रहे हो, इतने मुंजियांग हाथ कुकर लाग गया राज, थोड़ा सा शेयर करते हो भाई एक दो दो जगह, आका बंडी शिक्षा बढ़िया करा है। रणवीर जी अच्छा 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 मामा का नाम भी बतावा के, कोई बात नहीं वैसे पूरी महाभारत देख रखी अच्छी बात है। सुभद्रा अभिमन्यु की माँ का नाम था, मामा का नाम तो अपना आप पे आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है हरियाणवी जी के संबंधित है, देखेंगे कौन सा एंडी जवाब देगा। बछंटी काशी टिंडे फोआ लोगड़ किस फसल से संबंधित है, बछंटी काशी फोआ लोगड़ ये किस फसल से संबंधित है, गेहूं चावल पटसन ज्वार कपास चना, गेहूं चावल पटसन। सुनील शिवाज जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, सुनील गोयत जी, अनिल गोयत जी सही उत्तर है, पंकज सातर जी, वतन भनभोरी सही उत्तर आ चुका है नए प्रश्न का बिल्कुल, रवि मोहर जी सही उत्तर है पिछले प्रश्न का, सुभद्रा है भाई अभिमन्यु की मां का नाम सुभद्रा था। कुलदीप पंगाल जी सही उत्तर आपका बिल्कुल, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई कोई बात नहीं। अनिल कुमार जी भाई, अमित कुमार, संदीप कुमार, सुनील शर्मा, राम राम जी भाई, वतन भनभोरी बहुत बढ़िया, बलजीत शास्त्री जी सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल, रामफल जी, आशीष जांगड़ा, घनघस रणवीर घनघस बहुत बढ़िया, सतीश गोयत बहुत बढ़िया भाई सही आईडी, बच्चे का नाम बताएं सतीश जी थोड़ा सा, पंकज जी सही उत्तर दिया है, देवेंद्र भ्यान जी वाह भाई वाह भाई अच्छा अच्छा अच्छा, अभिमन्यु के बारे में पूरी जीवनी लिख दी बिल्कुल बहुत बढ़िया, नक्श हल्दी फार्म सही उत्तर है भाई, सुखबीर बुरा जी स्वागत है आपका, अनुज गोयत जी, सुनील बनौन जी राम राम जी कर रहे हैं, राकेश खुशी ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, सुनील के पास उत्तर दे रहे हैं भाई बहुत बढ़िया, शिशपाल वर्मा जी बहुत बढ़िया भाई,
कांसी बछंटी टिंडे फोआ लोगड़ ये किस फसल से संबंधित है? ये भाई ना गेहूं था ना चावल था ना पटसन था ना ज्वार था ना चना था, ये कपास से संबंधित है। सुनील बुरा जी से उत्तर है। नरेंद्र जी बहुत अच्छा, बिल्कुल भाई बच्चे इसका मतलब हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खेती बाड़ी में ले जो हो इन्हें बुगिया में बैठा करना, आ रही कौन को फोआ भी चुगांदे होंगे जरूर, दो दो चार चार किलो कपास तोले काटते होंगे, और नहीं तो और नहीं नाला पाता किम किमें हेल्प करवाते होंगे, कसोला तो पकड़ाए देते होंगे खाली, जो इनका बस की बात। अच्छी बात है बिल्कुल भाई, अनुभव दिया करो बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो अपने, खेती का कार्य हो व्यापार का हो कोई भी हो, बच्चों को हिसाब किताब देना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मेरे तो बोलना चाहिए, मेरे तो बोलना चाहिए, इसकी अंग्रेजी बता। आरव गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज गोयत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। करमवीर जी, आरव श्रेष्ठा हमारे साथ आ गए हैं, स्वागत है बेटा। राजेश टंडन जी बच्चे का नाम जरूर बताएं, सामान्य गैर प्रसोत्री में खुशबू रानी, खुशबू रानी बच्चे का नाम है भाई, 30 गोयत आईडी से खुशबू रानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू फैलाना बेटा अपने कार्यों से, बहुत अच्छा बिल्कुल। खुशी, मेरे गला बोलना चाहिए, इसकी अंग्रेजी बनानी है भाई। अरे वाह, बलजीत शास्त्री जी की तरफ से सही उत्तर आ चुका है। बंसीलाल सोनी जी स्वागत आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, बच्चों से इंग्लिश हिंदी व्याकरण गणित जीके रीजनिंग भूगोल इतिहास नगरशास्त्र आदि प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों से घिर जाते हैं बच्चे, फिर भी नहीं ध्यान दे बना। वीरेंद्र गोयत जी सही उत्तर है, बिल्कुल अच्छा उत्तर है, कोशिश करिए अच्छी बच्चे ने। संदीप शर्मा जी बहुत अच्छा, कुलदीप पंघाल जी, राकेश कुमार बहुत अच्छा भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चे, अच्छा कोशिश कर रहे हैं। सुनील राठी जी, रामफल राम जी, आकृति दीप्ति ने सही उत्तर दे दिया है, शिशपाल वर्मा जी, मोनिका बहुत अच्छा उत्तर है बेटा, बिल्कुल कोशिश अच्छी करो, शाबाश, 10 आते हैं इसका मतलब आपको, या फिर साथ के साथ में इंग्लिश शब्द भंडार भी आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी बनाई है बिल्कुल आपने। डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, अंशु ने सही उत्तर दिया है, डोंट टॉक टू एम आर लिख दिया, कोई बात नहीं, मी होता है, कोई सही उत्तर है बिल्कुल, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग में गलती हो जाती है। अंशु फोर्थ क्लास, दो दो अंशु आ गए भाई, कुलदीप का भी आ गया, राजेश टंडन का भी, अंशु अंशु गुड़ पड़े और कुत्का मारिया धड़ पड़े, न्यू बोलिया करते मामे तो बचपन में, आजकल ही जोनी जोनी यस पापा आएगी कविता, मामे तो इन्हें मैं टाइम पास कराया करते भाई। तो अगला प्रश्न अगला है भाई आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा जवाब अच्छा देगा। क्या था मुंह लटका रहा सर, क्या था मुंह लटका रहा सर, कोई उदास हो तो उसने कहा ग्रह है, बहुत बढ़िया। सुनील राठी जी, अनुज गोयत जी, बंसीलाल जी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बिल्कुल एक दो आईडी ऊपर जा चुकी है भाई, अच्छा उत्तर है, सभी के सही उत्तर है बिल्कुल। डोंट टॉक टू मी, वतन मनभोरी आगा है भाई, क्या था मुंह लटका रहा है, चाहे फिर न्यू बोलिया कर रहे हैं, यूथ हो बड़ा क्यों सुझा रहा सर, चाहे फिर न्यू बोलिया कर रहे हैं, ये थून वर्गा मुंह क्यों कर रहा सर, इसकी अंग्रेजी बनानी है भाई। थून वर्गा मुंह क्यों कर रहा है, थोबड़ा क्यों सुझा रहा है, यू मुंह क्या था लटका रहा है, थोबड़ा क्यों लटका रहा है, इसकी अंग्रेजी बनानी है प्यारे चुनू मुनुओं। हरियाणवी से सीधा अंग्रेजी में छलांग मारने आपने हिंदी बीच में छोड़ दी, क्योंकि हरियाणवी भाषा से जो कोई अपना भाव समझ में आ जाए वो सीधा अंग्रेजी में करवा जावे, मैं तो अध्यापक साथियों तो भी नू कहूंगा अग भाई हरियाणवी तो सीधा अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी तो सीधा हरियाणवी पढ़ाओ, बच्चे को भाव समझ में आया यार बस, यले उंगली पकड़ी पहुंचा पकड़िया बस बालक ने। तो अनुज गोयत जी बहुत अच्छा उत्तर बिल्कुल, राजेश शेवाल जी स्वागत है आपका, संदीप शर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल, थोड़ा सा ईज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी ला लिया करो। कुलदीप पंघाल जी बहुत अच्छा उत्तर है बिल्कुल, भाई वाह भाई बहुत बढ़िया कुलदीप पंघाल, बलजीत शास्त्री जी अच्छा उत्तर है, वतन मनभोरी जी, नरेंद्र सोलंकी जी, अरे सारे अड़े तो अंग्रेज बैठे हैं भाई, तो हमने तो पता लगा इंग्लैंड में छोड़ के आने पड़ोगे, इतनी अंग्रेजी आएगी भाई, बहुत अच्छा बिल्कुल शाबाश, अच्छा जवाब दिया है। फिर हरियाणवी शब्द दोबारा फिर आ रहा है, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, इसी में धूड़ में हम लिपट करके घुटनों के बल सर करके बड़े हुए हैं, यहीं का अन्न जल पानी ग्रहण करके हम बड़े हो रहे हैं। तो प्यारे चुनू मुनुआ आपने बताना है हरियाणवी शब्द है एक बाबरे लटूर जंडूर का पर्यायवाची बताना है, हिंदी में बता दो चाहे अंग्रेजी में बता दो भाई, बाबरे लटूर जंडूर, बहुत अच्छा उत्तर है बंसीलाल सोनी जी, स्वागत है आपका बिल्कुल। टूम ठेकरी भी घटना सीखा हुआ है बड़काना है, साथ के साथ में अंग्रेजी हरियाणवी हिंदी सारा सौदा सिखाने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुरेश सिहाग जी स्वागत है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाई आपका, दिलबाग जी नमस्कार भाई जी, कुलदीप गोयत जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, वाई आर यू अपसेट, अरे वाह तुम बेचैन क्यों हो, उदास क्यों हो, क्यों थोबड़ा लटका रहा है, इसकी अंग्रेजी बनानी थी, बहुत बढ़िया। अंशु ने उत्तर दिया है, बलजीत शास्त्री जी खुशी ने उत्तर दिया है,
अंग्रेजी में बहुत बढ़िया, जंडूर बाबरे लटूर, इसकी अंग्रेजी या हिंदी बनानी है बसले। बहुत बढ़िया आशीष शिशपाल भाई, वाह अड़े को नहीं थे बालक गणे जीनियस है भाई, जहाँ तो मतलब भाजे भी नहीं थे, कमाल कर दिया भाई जमा भाई। सुनील शिवाजी, सतीश गोयत जी, जीनियस बालक पढ़िया यार, कौन से बादाम खा करो, कौन सी क्वालिटी के लिया करो, मैंने भी गेट दिया करो, थोड़ा बहुत फोन में बो रहा, मैं भी चाय पी लूंगा दूध में गेट करना, इतनी यादाश्त। बहुत बढ़िया केश और अलक, बहुत अच्छा बिल्कुल। संदीप शर्मा साहिल, केश और अलक शुद्ध हिंदी में पर्यायवाची बताया आपने, मैंने पूछा था भाई हिंदी में बता दो, अंग्रेजी में बता दो, हरियाणवी में, जो भी कोई भी, तो अच्छा उत्तर दिया बिल्कुल आपने। बाबरे जंडूर लटूर, ये बाला न कहा करें भाई, बाल बहले यानी कि बाबरे जंडूर लटूर। बहुत बढ़िया केश अलक। कर्मवीर गोयत, सुशील कुमार स्वागत है भाई आपका, बच्चे का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। बाबरे जंडूर लटूर हरियाणवी बोली शब्दों का अपन है, बाल रवि मोहर ने बा अड़ा लिख दिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। केश रघुवीर अत्री जी स्वागत है आपका, नरेंद्र सोलंकी जी, अनुष्का ने सही उत्तर दे दिया है, अनुज गोयत जी भाई वाह कमाल कर दिया भाई, हरियाणवी भी आवा है और अंग्रेजी भी आवा है, इस तरह मतलब जो हरियाणवी में हाथ तो लग ही रहा है, फिर एक प्रश्न और रह गया क्यों छोटा इसने, मुहावरा में खालिस्तान पर ना बेता हमने, जद गंजे की मौत आवे तो वह खालिस्तान का नहीं कुलाबाती खाक रहा है, जद गंजे की मौत आवे तो वह खालिस्तान में कुलाबाती खाता है, क्या मैं कुलाबाती खावा हो गंजा जब उसकी मौत आवे, रेत में गद्दा पे कंकरा में फूला में रजाई में, जद गंजे की मौत आवे तो वह कंकरा में अख गद्दे में अख फूला में रजाई में अख रेत में कुलाबाती खा कर है, एक खालिस्तान पर ना है तुमने, दोबारा सुन लो थोड़ा सा बिछड़ गए हो गए, जद गंजे की मौत आवे तो वह खालिस्तान में कुलाबाती खाता है। विनय, विनय हमारे साथ जुड़ चुका है सुशील कुमार आईडी से, विनय बेटा स्वागत है आपका। और बलजीत शास्त्री जी, खुशी ने कनिका हमारे साथ जुड़, हाँ सही उत्तर दे दिया बिल्कुल बलजीत जी, जद गंजे की मौत आवे तो वह खालिस्तान में कुलाबाती खाया करे से, बिल्कुल रामफल राम जी आकृति सही उत्तर दिया। कुलदीप पंघाल जी, फूला में, अरे गंजे का फूला तो के बिगड़ेगा भाई कुलदीप पंघाल, फूला का ऊपर तो कोई भी कुलाबाती खा जाए, जब गंजे गादड़ की मौत आवा काम करने वह झगड़ा हुआ मुहावरा है हरियाणवी में, जब गंजे की मौत आवे तो वह खालिस्तान में कुलाबाती खाता है, रेत में गद्दा पे कंकरा में फूला पे रजाई में, देखा वह कड़ा कुलाबाती खावा वो। बहुत बढ़िया राकेश कुमार वतन बन भोरी, बहुत अच्छा बिल्कुल। अनुज गोयत वाह वाह, राजेश कापड़ो सही उत्तर दिया श्रेष्ठार ने, कुलदीप गोयत कापड़ो ने सही उत्तर दे दिया, अंशु ने बहुत बढ़िया भाई, रेत में कुलाबाती खाने तक कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र सोलंकी जी, रेत में कई बारी कुलाबाती चाहे गंजा और चाहे बाड़ाना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बढ़िया बिल्कुल कंक्रीट उत्तर है भाई, बहुत अच्छा बिल्कुल। ये मुहावरा है हरियाणवी मुहावरा, मैं मुहावरों के ऊपर लाना चाहता। कर्मवीर गोयत जी, सुशील कुमार जी क्या लिख दिया भाई इसमें, तो रेत गद्दा पे कंकरा पे फूला में रजाई में, इसमें तो कोई ने सही उत्तर दिया भाई, थोड़ा सा एकदम तो कांकरा में कुलाबाती खा करा है भाई, गंजे की मौत आवर कांकरा का नहीं, कांकरा में कुलाबाती खावा, सही उत्तर दिया भाई बिल्कुल आपने, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ओडल किस जिले में है, हरियाणा का नक्शा देखा हो तो भी 20 रुपये का हरियाणा का नक्शा हुआ है, जिसमें ज्यादा ज्यादा तहसील उप तहसील गाँव जिले जो भी अपने किससे सीम लगती है, कहाँ कौन सी फसल हुआ है, कौन सी माटी है, कौन सी नहर नदी भवंस है भाई, सारे जिले के अफसरी में सीम, और थोड़ा सा बच्चे को ज्ञान कराएं 20 रुपए का, अभिभावक सभी जागरूक बने और 20-20 रुपए में अपने बुक सेलर से लाकर ना और बच्चों को समझाएं हरियाणा भारत और संसार के नक्शे आवाएं, जो आपने बताना है होडल किस जिले में है, होडल और हथीन दोनों बता सको भाई, होडल और हथीन तहसील हैं जो, ये किस जिले में है। कांकर सही, सुनील रोठी जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, जगदीश नेहरा जी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है हरियाणा जी के, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा पूछी जावा है, बाकी और गणित रीजनिंग आदि भी हैं। सुमित गोयत जी स्वागत है आपका, होडल और हथीन किस जिले में है, देखते हैं भाई। वतन मनभोरी सही उत्तर, राकेश कुमार खुशी ने सही उत्तर दे दिया, आदित्य ने, बलजीत वाह भाई वाह कमाल कर दिया भाई, राजेश कापड़ो फरीदाबाद, पुराने समय में फरीदाबाद होता था बेटा, कोई बात नहीं बच्चे ने पुराना नक्शा देखा होगा तो। रामफल राम जी सही उत्तर है, कुलदीप पंघाल, योगेश पंडित सही उत्तर दे दिया भाई, सुनील शिवाच गुड़गावा तो नहीं है भाई, गुड़गावा नहीं है सुनील शिवाच जी, थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में, कोई बात नहीं, नज़दीक जरूर लग रहा है, कांध का कांध लग गया है। रवि मोहर जी सही उत्तर है, रघुवीर अत्री जी भाई वाह, राजेश कापड़ो आरओ का सही उत्तर आ चुका है, पलवल बहुत बढ़िया भाई, पलवल उत्तर है भाई बिल्कुल।
अंशु ने उत्तर दे दिया है पलवल में है भाई, होटल और हथीन पलवल में मन्ना बतेरे चक्कर काटे भाई, 10 साल और नौकरी रही है। सतीश गोयल जी खुशबू ने से उत्तर दे दिया बिल्कुल, खुशबू रानी बिटिया पलवल उत्तर दे रहे हैं, वीरेंद्र गोयल सुनील राठी सारे पलवल पलवल बहुत बढ़िया भाई, इसको शुगर सिटी भी कहते हैं पलवल को, और अपलवा इसका पुराना नाम था और फरीदाबाद से ये अलग हुआ है, हथीन है होडल है ये वहीं की तहसीलें हैं। बहुत अच्छा अनुज गोयत शिषपाल वर्मा जी पलवल, मोनिका ने उत्तर सही दिया है, संदीप शर्मा साहिल ने सही उत्तर दे दिया भाई, बिल्कुल कमाल कर दिया भाई। अगला प्रश्न आपके आपने बताना है, देखते हैं भाई थोड़ा सा गणित की बातें कर लेते हैं। 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं भाई। दीपक शोकन जी स्वागत है भाई आपका, सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, अनिज गोयत सही उत्तर दिया है, दीपक शोकन जी स्वागत है बिल्कुल आपका। हथीन विधानसभा क्षेत्र की इन बातों पर जरूर ध्यान दें, हथीन विधानसभा क्षेत्र ब्यासवी है हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, नेट से निकाल करके कमाल कर दिया, 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ प्रस्तुत कर दिया, सभी बच्चे पढ़े भाई कॉमेंट में इसको जल्दी जल्दी से ताकि जीके बढ़ सके आपकी। नूह तो नहीं है जी, विनय नूह नहीं है, नूह मेवात में है, जो हथीन पहले मेवात में लगता था। नरेंद्र जुलानी खेड़ा से स्वागत है भाई आपका, रामपद राम जी आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, आपने बताना है भाई भाई 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। नहीं भाई 2 तो नहीं है, अरे बिचड़ गए। सही देवेंद्र भ्यान जी सही उत्तर है बिल्कुल, सतकुमार अत्रे जी स्वागत है आपका, रवि मोहर जी 2, महत्तम और लघुत्तम में फर्क हुआ है प्यारे बच्चों, इतने कमेंट आवा है इतना मैं बता दूं, महत्तम तम मैंने सबसे बड़ा, मह मैंने सबसे बड़ा हो गया, तम और भी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अपवर्त्य का मतलब गुण जो है पहाड़ा, 10 और 12 का पहाड़ा सबसे बड़ा कड़ा जाकर मिलेगा, मतलब सबसे छोटा का रूप में लघुत्तम आ जाएगा, सबसे बड़ा 2 हो गया महत्तम है। आप 2 बता रहे हैं वीरेंद्र गोयल जी, दीपक शोकन जी, अंशु जी, ये 2 नहीं होता प्यारे चुनु मुनुओ, 2 तो महत्तम समापवर्तक होता है, HCF होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया जो, तो ये सबसे बड़ा होता है, बड़ा शब्द आ जाए महत्तम होता है, लघुत्तम पूछा गया आपसे, लघु मैंने छोटा, सबसे छोटा अपवर्त्य यानी कि कहां पर जाकर के गुणज बोलेंगे इसको, गुणज पहाड़ा, 10 और 12 का पहाड़ा कड़ा जाकर मिला से, 10 का पहाड़ा गिन लो और 12 का गिन लो, 10 एकम 10, 12 एकम 12, 10 दुनी 20, 12 दुनी 24, 10 दिए 30, 12 दिए 36, 10 चौके 40, 12 चौके 48, 10 पंजे 50, 12 पंजे 60 है और 10 छीके 60 है, तो 60 पर जाकर धनुआ न टकराएगी और टाकर बाद जगह हो कि है लघुत्तम है। नक्सल दिफाराम शिषपाल रामफल राम जी सही सुधार कर लिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया। सतीश गोयत जी 120 ज्यादा डांक मार गए भाई, लघु का मतलब छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, ज्यादा से ज्यादा गहराई का गणित का ज्ञान सीखना है प्यारे चुनु मुनुआ, तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आइए, गेड़ा मारिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, उस पर गणित की बातें धीरे धीरे मतलब हजारों की संख्या में पूरा बेसिक गणित है, किसी भी टेस्ट में आपको समस्या नहीं आओगी, गारंटी है भाई, पूरा बेसिक गणित आपके सामने उडेल दिया जाओगा, धीरे धीरे बना रहा हूँ और ये चीजें हरियाणवी भाषा में समझाई गई है। रवि मोहर जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, विनय गलती कर गए बेटा कोई बात नहीं सुधार करें, योगेश पंडित करमबीर गोयत सुनील राठी रघुवीर अत्री जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई आपका, 60 आएगा, 10 और 12 का लघुत्तम 60 होता है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है भाई, रीजनिंग में देखेंगे कौन सा एंडी जवाब देगा, ABCD तो सीखिए होंगे अपन, ए 1 पे है, बी 2 पे, सी 3 पे, जेड 26 पे है, आपने बताना है जो अपना सुल्टा अथवा है यानी कि पीछा था 11वां नंबर पर किया होगा, सुल्टा हाथ ने 16 हाथ ने राइट साइड ने दाई साइड से, यानी कि जो अपना सुल्टा हाथ की तरफ हुआ से दाया हाथ हुआ है यानी कि पीछे से 11वां नंबर पर किया हुआ। गुरुदत्त शास्त्री जी स्वागत है आपका, चुनु मुनुआ ने पास में बैठा हो भाई, पूजा जी स्वागत है, कुलदीप गोयल जी सही उत्तर दिया आपने 60, रघुवीर अत्री जी सही उत्तर है, आपने अगले प्रश्न को सुन लिया होगा, ABCD में पीछे से 11वां नंबर पर किया होगा, पीछे से 11वां नंबर पर कौन सा वर्ण है ये बताना है, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, ये तो सीधा हो गया, पीछे से यानी कि दाई साइड से यानी कि सुल्टा आता है यानी कि मतलब जो अपना राइट साइड एंड हुआ है, राइट एंड की तरफ से अगर हम गिने तो क्या आएगा, अरे वाह आकृति
प्रणाम आदरणीय भ्राता श्री गुरुदत्त शास्त्री जी, प्रणाम जी। मैं हरिकेश शास्त्री कापड़ो आपका स्वागत करूँ हूँ। वह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में बनभोरी साहब सही उत्तर दे दिया है। वह देवेंद्र बंसी लाल, सुनील शिवाज, कुलदीप पंघाल, योगेश पंडित, नरेंद्र जुलानी स्वागत है भाई आपका। अनुज गोयत बहुत बढ़िया, सारे के सारे जो आई टी गेट आई है भाई मैंने सही उत्तर दिया है भाई। बिल्कुल भाई बलजीत शास्त्री खुशी ने सही उत्तर दे दिया है। जैसा ढांडा ने भाई थोड़ा सा शेयर करने में क्या था कंजूसी कर रहे हो रहा है। तारी शिकार पतार बचाओ वीरेंद्र गोयत है, बलजीत है भाई सही। सतीश गोयत भाई वाह, रघुवीर अत्री जी, सुनील राठी जी, राकेश कुमार बढ़िया उत्तर है। खुशी आदित्य बेटा, करमवीर गोयत भाई वाह, चाला पट दिया बेटा, मैं तो ढूंढने ठहर रखे हैं सारे। पी 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 गाड़ी चलाओ हो गई बहुत अच्छा भाई, शाबाश। शीशपाल वर्मा, कुलदीप अंशु ने सही उत्तर दे दिया है। आशु स्वागत है भाई आपका। पंकज में उछात्र पी होता है भाई, पीछे से 11वां नंबर पर पी आएगा, क्यों? सीधी ही देसी पुड़िया है बचमा, देसी दवाई तम तो ये न्यू फलाया भी हो गया मेरा भाई। यू 11वां यू 8वां यू 27 में था, सीधा नंबर घटाए दो उसका। जुगर टी है 20 पे है तो 27 में था 20 घटाए दो तो 7वां नंबर पा होगा, 5-6 है। इसी तरह ओ है 15 नंबर पर है तो 15 घटाए दो 27 में था, पीछे था 12वां नंबर पर ओ आओगा। सारी चीज 27 में तो घटाए दो उसका, सीधा नंबर वाली वो के है, पीछे से नंबर आ जाएगा। नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी, एम नहीं होता, एम नहीं होता, पी होता है। चलो सुधार करवाएं बच्चे से, कोई बात नहीं। कनिका ने जैसे ढांडा जी स्वागत आपका, राम राम कर रहे हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे भाई कौन सा जवाब सीधे होगा। अगर आपने थोड़ा सा बूढ़े वाला सवाल हो रहा है बीच में भाई, वो भी बोलिया जाओगा जो बूढ़े बोलिया करें हैं अपना देसी सवाल, आपने बताना है। अगर इसका जवाब दे दिया तो आप इसका मतलब रीजनिंग के और अच्छे माहिर माने जाओगे। 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा, देखेंगे भाई कौन सा रीजनिंग का माहिर है। 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा, अंडी मान जूंगा भाई, रीजनिंग का अच्छा योद्धा माना जाएगा उस चुन्नू मुन्नू लड्डू रसगुल्ले को जो इसका जवाब देगा। 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा। देवेंद्र भयान जी बहुत अच्छे, बलजीत शास्त्री कमेंट करने में समय लग जाता है, आशीष जांगड़ा, रामफल राम जी, 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सीखने हैं घड़ियों के बीच में और सूत्र याद करने हैं इनके, एक मिनट में। मिनट वाली सुई है जो एक मिनट में 6 डिग्री का बना हुआ है, घंटा वाली सुई आधा डिग्री का कौन बना हुआ, तो हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बता रखी है भाई, और भी धीरे धीरे। सुशील कुमार जी, राकेश कुमार जी, सुशील शिवाज जी भाई वाह, सुरेंद्र जुलानी खेड़ा जी बहुत अच्छा, आंसू ने सही उत्तर दिया है, बंसीलाल सोलंकी ने, सोनी जी स्वागत आपका और सही उत्तर दे दिया है, पूजा ने, अनुज गोयत, दीपक शोकंद भाई, वो तो जमाने सीधा ऐसा सवाल पूछा तो था, इसमें भी उलझोगे तो जमा चाड़ा पड़ोगे। रघुवीर रात्रि जी, वीरेंद्र गोयत जी, सुनील राठी भाई वाह बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चे आपके पास बैठे हुए हैं, अपने आपकी पीठ थपथपाओ ऐसे, शाबाश, शाबाशी दो, और कोई देव चना दो, अपना आप तो देनी चाहिए, अपना हाथर आप शाबाशी देनी है, कितनी बड़ी बात है। 180 का नहीं होगा भाई, थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में, अंशु ने सही उत्तर दिया है। 270 का भी नहीं होगा, 90 डिग्री का कौन होता है, 90 डिग्री का कौन होगा, क्योंकि 9 बजे 12 क्रॉस नहीं करना होता, इसलिए 270 का हो सकता था लेकिन 12 क्रॉस नहीं करना, इसलिए जब वो पूरी 9 पे आ जाएगी तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। दीपक शोकान, राकेश जंगड़ा जी स्वागत है, बंसीलाल जी 270 बता रहे हैं भाई, थोड़ा सा 270 का हो सकता है लेकिन कब है, जब वो 12 मतलब क्रॉस हमें नहीं कर रहे हैं, इसमें पूरा 12 पे सुई है, पूरा 9 पे है तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीन गौतम जी, दरविंदर बयानखेड़ा जी, 90 डिग्री का है, बहुत अच्छा उत्तर है बिल्कुल आपका। नक्स हड़ती फार्म, अगर 12 क्रॉस कर गए, जैसे 12 बज के और 12 बजने में 5 मिनट रह रही है, तो एक सुई उधर है एक सुई उधर है, तो बड़े वाला कौन माना जाएगा, नीचे वाला, दोनों के बीच का नहीं माना जाएगा, जो छोटा सा कौन होता है बड़े वाला नीचे वाला माना जाएगा। 12 क्रॉस नहीं करना होता है ऐसे सवालों में, रीजनिंग के सवाल जो आते हैं। 30-35 तरीके हैं रीजनिंग के भाई, सारे हरिकेश का प्रो यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, टेस्ट की तैयारी करनी है तो भविष्य में। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, देखते हैं भाई कौन, तुरंत सोचो तुरंत करो, रीजनिंग का फिर सवाल आ रहा है भाई। 4 गाय हैं और 3 घोड़े हैं, उनके सिंगा की गुणा करनी है तुमने। आदरणीय जी आपकी ये पहल बच्चे के सुखदायी जीवन की ओर ले जा रही है। गुरुदत्त शास्त्री जी स्वागत है भाई आपका, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले, उनको एक प्रेरणा मिल सके, उसके लिए यहाँ पर आप झगड़ मारा सा हरियाणवी में है बिल्कुल ठीक सारा सौदा। गुरुदत्त शास्त्री जी और अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, भाई एक आह्वान करना चाहता हूँ, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल कल्ला मेरा को नहीं, ना मैं कल्ला मतलब आगे बढ़ा सकता आपके सहयोग के बिना, आपका सहयोग वांछित है शास्त्री जी या अन्य शास्त्री साथियों।
तो सर आप टीचिंग करते हो? हाँ भाई, मैं अध्यापक हूँ, 16 साल हो गए सर्विस में आए, सरकारी सेवा में, और बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिला है सर। बच्चों तो गुरुजनों था या विद्वानों से, माता पिता से जो ज्ञान मिला है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करा सा। भाई 4 गाय और 3 घोड़े कह सिंगा की गुणा करनी है भाई, सारे कटला की पढ़ा दो भाई, छह गई छह हो प्यारे हो। बहुत बार हो गई थी तब मैं बुका है लिया, ऋषिकेश अंकल का गला पड़वा लिया, जब भाई फंसे हैं सारे, फंस गए। 8 8 8 8 मतलब ये नहीं, 4 गाय 3 घोड़े उनके सिंगा की गुणा करनी है। 4 गाय और 3 घोड़े आरोगोयत, समझ गया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा आरोगोयत, पहला जीनियस बनाया इसका। 4 गाय 3 घोड़े सिंगा की गुणा करने हैं उनकी अपसरी में, जितने गाय का सिंगो है जितने घोड़े का सिंगो है आर है उनकी गुणा करनी है। अनुज गोयत है, ये गोयते गोयत मतलब बाजी मारा है भाई, और तो बनार लगा है। ओमपाल ज्येष्ठ सही उत्तर है बिल्कुल, आकृति दीप्ति कनिका बेटा बहुत बढ़िया, आरो गोयत बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमाल कर दिया भाई। अच्छा 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 संदीप शर्मा साहिल भाई मेरी बात ने समझ गए, मैंने तो जो सोचा था 3 घोड़िया के 6 सिंग फड़ाकर, 4 गाय के 8 सिंग फड़ाकर 8 6 48 बोल लेंगे। बहुत बढ़िया रवि मोहर, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अरे तुरंत सोचो तुरंत करो, यही तो रीजनिंग होती है। रीजनिंग का मतलब मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, हमारा जो मानसिक मनोबल है कितना हम कुछ कर पाते हैं। सुशील कुमार आईडी से सही उत्तर बिल्कुल, 32 नहीं होता भाई बिलजीत जी। राकेश कुमार जी सही उत्तर बिल्कुल, वतन मनमोरी सही उत्तर है, राजेश कापड़ो 0 उत्तर आएगा भाई, सही है 0। शिशपाल वर्मा जी 16 नहीं है बच्चा, पिछड़ गया। दीपक चौकन जी सही उत्तर है बिल्कुल, योगेश पंडित जी 12 नहीं है, प्रदीप खटकर जी नहीं, स्वागत आपका। वीरेंद्र गोयत जी, पूजा ने सही उत्तर दे दिया, सुधार कर लिया पूजा, आईडी से बच्चे का नाम लिखवाए। सोनी जी, दलवेंद्र जी सही उत्तर है, कुलदीप गोयत, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सही उत्तर आ गए हैं आपके। मखाले 8 8 8 8 32 32 कह रहे, कोकी में कह रहे भाई 4 गाय 3 घोड़े, घोड़िया का सिंह होंगे नहीं भाई, 0 को गुणा करांगे तो कितने गाय के कितने हो, 0 को किसी से भी संख्या तक गुणा कर दिया तो वह 0 बन जाएगी। मैं 7वीं में था, मेरे गणित के मास्टर जी आ रहे थे एक बार, न्यू गणित में 0 तक गुणा करने को नहीं आए थे, न्यू मिला जे 13 था 0 तक गुणा कर दिया तो 0 बन जाएगा, तो जो याद आया था मेरा 0 तक गुणा कर दिया तो 0 बन जाएगा संख्या। दिनेश शर्मा मामा जी के लड़के स्वागत है आपका, आर एस सुरेवाला जी स्वागत है, योगेश पंडित जी सही उत्तर दे दिया, बच्चे ने सुधार कर लिया। अनुज गोयत जी अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं वह कौन सा अच्छा जवाब देगा इसका। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से और माहिर माने जाओगे जीके के। आपने बताना है जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। संदीप शर्मा साहिल जी बता रहे हैं गुड़ जड़ी पे गया है कोई नहीं तो घोड़ा का सिंगा का केवेरा पट था भाई, कोई बात नहीं, बिग जेगा कड़िया नहीं फार्म तला तो बताई बे, तो बतेरे दिन पड़े हैं पढ़ाई करो अपने, और गुड़ चढ़ी पे भी चढ़ जेगा गणे ही चा नहीं हो यार दे बेरा है, मतलब बाद में फिर किसी के दिन बीतता है ब्याह हो जाए तो पूछ ले, और नहीं तो पूजा रुद्रा जी मेरे बेटे का नाम है रुद्र, रुद्र नाम है पूजा जी, रुद्र स्वागत है आपका रुद्र बेटा भाई। अगला प्रभात अत्री जी स्वागत है आपका, आपने बताना है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। देवेंद्र भयान जी सबसे पहले उत्तर देते हैं भाई, बहुत अच्छा जीनियस बच्चा बैठा है बिल्कुल आपके सामने। सिद्धार्थ राम फल राम जी बहुत बढ़िया बिल्कुल, राकेश कुमार अरे वाह इतिहास के जानकार हैं बच्चे इसका मतलब, रवि मोहर जी कमाल कर दिया भाई, वतन मनभोरी अरे वाह महाले भी चढ़ेंगे कड़िया इतिहास थे उसमें कड़िया कड़िया, लेकिन तो हमें कोनी काबू मान दे बनार लग गया है भाई, कोनी काबू मा है सुनील शिवाच है लकड़िए भाई। गुरुदेव शास्त्री बच्चा सही जीनियस है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रभात अत्री जी प्रणाम जी, लाजवाब प्रयास सराहनीय है, धन्यवाद जी मेरे बच्चों के गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात अत्री जी स्वागत है, मिता थल रहते बात चल रही थी हरियाणा के, वह सिखाने लग रहा था बड़का ने। सिद्धार्थ आरो गोयत ने, सुनील राठी पूजा सिद्धार्थ उत्तर सही दिया है, कुलदीप पंघाल जी कुलदीप गोयत ने सही उत्तर दे दिया है भाई, कमाल कर दिया। अंशु सतीश गोयत अरे वाह, नरेंद्र सोलंकी बहुत बढ़िया भाई, प्रभात अत्री जी सही उत्तर है बिल्कुल, योगेश पंडित जी प्रभात जी आप में रोल है मन बेरा है, तेरा ब्याह को नहीं हो रहा बड़क करता है तो पड़ोसियों के बैठा रखे होंगे, चलो कोई बात नहीं। अनुज गोयत बहुत बढ़िया है भाई, धर्मेंद्र ब्याना खड़ा जी स्वागत है सही उत्तर दिया आपने, करमीर गोयत जी मनीष मुंडाल जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई आपका। भाई अपना बेटा हो पोता हो चाचा हो भतीजा हो कोई भी हो मतलब पड़ोसियों का हो सगैर का हो सारे बटले कर लिया करो, चूल्हा नहीं होता सारे की। हरियाणा जी के भारत की भूगोल की रीजनिंग की गणित की सारी बात पूछी जावा है, हरी केश कापड़ो फेसबुक चैनल पर रोज लाइव
सुनील श्रीवास ने तो पूरा इतिहास ही इसका दे दिया। देखो भाई लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था सुदोधन के घर में। ये सारे बच्चे कमेंट में पढ़ लें, जीके बढ़ेगी भाई, और भी अपने किताबों से स्वाध्याय करते रहें बच्चों। इसलिए पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ताकि आप इन प्रश्नों के एक 20 किलो दूध देवा हिमालिया मैस गए जो भी आ रहा उसको में से लासी लासी छोड़ दे, करीम कटना सीख जाए बालक, और ज्यादा से ज्यादा जीके में रुचि पैदा हो सके, प्रेरणा मिल सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया हुआ है हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो ज्यादा ज्यादा गेड़ा मारिया करो भाई स्त्रियों का, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपने भाई, हवा में उड़े होगे कदे, जहाज में उड़न का सपना होगा या सपना में उड़े होगे वैसे भी, तो मतलब आपने बताना है वायुमंडल में कितनी परत हो ऐसे, वायुमंडल में कितनी परत होती है। देखते हैं भाई कौन सा जीनियस बनेगा भूगोल का, भूगोल का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, देखेंगे भाई कौन सा सही जवाब देगा। कमाल करते हैं बच्चे, वायुमंडल की कितनी परत हो ऐसे, ले भाई कमाल कर दिया भाई तुमने तो, आज तो अच्छे जवाब दिए हैं, सभी जीनियस बने हैं। राकेश कुमार 3 परत बता रहे हैं भाई, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। देवेंद्र भ्यान की तरफ से उत्तर आया है 5, सुशील कुमार 4 बता रहे हैं, सुनील राठी 3 बता रहे हैं, सुनील शिवाच सुनील सुनील नाम से 4 बता रहे हैं भाई, सुनील शिवाच 3 है, अंशु 3 बता रहे हैं, ओमपाल ज्येष्ठ बता रहे हैं भाई 4, अनुज गोयत 3, पूजा 3 बता रहे हैं। अरे भाई नहीं, अपसरी में लड़ना पड़ी हो रहा है भाई, तमें अपसरी में कमेंट करते करते लठवाजियाँ कदे मड़ा सा प्यार तो समझौता कर लो, 3 को नहीं होंगे ना 4 होंगे 5 होती हैं भाई। शिशपाल वर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, कुलदीप गोयत अंशु 3 नहीं होते, अक्षोभ मंडल कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर है बिल्कुल, 3 परतें नहीं होती, अक्षोभ मंडल समताप मंडल आयन मंडल बाह्य मंडल ओजोन मंडल, तो ये 5 परतें होती है हमारी। कर्मवीर जी संदीप शर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल, कणिका ने 4 दे दिया, कोई नहीं सुधार करें प्यारे बच्चों ने मुनुओं, कोई बात नहीं सुधार करने के लिए बैठे हम, कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी और आपने ये पता होता परत होती है। सारे तो नहीं सोचा भाई ये तो लीला लीला आसमान है रहा हुआ हुआ सारी इसमें के परत होंगी, तो मतलब जब जाकर गड़बड़ हुआ है नहीं। ओमपाल ज्येष्ठ जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, बहुत बढ़िया। खुशी ढोल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रदीप खटखड़ स्वागत है भाई, 5 उत्तर दिया सही, सुनील राठी गुरुदत्त शास्त्री भाई वाह, रवि मोहर जी 3 परत नहीं होती, बच्चे को थोड़ा सा बताएं, चुन्नू मुन्नू को पास में बैठा करके कहें भाई 5 परतें होती हैं, और भूगोल की किताब पढ़ने को दें भाई, खुद ढूंढें बच्चे, बालक माँ बाप करते जाऊँगे चलो, घर आए नहीं है तो अलग बात है, अगर घर पे हों तो खुद ढूंढें जीके की किताब, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो पहली वाला कायदा भी ले बैठे हूँ भाई, मेरा ही लग है, तो मतलब संभाल कर रखा करें जीके की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न आपने बताना है, देखते हैं भाई, 5 उत्तर सही है बिल्कुल, कुलदीप पंघाल जी रवि जी सुधार करवाएं थोड़ा सा, देवेंद्र ब्यानाखेड़ा जी सही उत्तर है बिल्कुल, 5 परतें होती हैं, कमाल करता कर दिया भाई आपने। अगला प्रश्न आपने बताना है, हरियाणा रोडवेज में किन 2 का टिकट नहीं लगता, ड्राइवर कनेक्टर तो चलो उसमें होते ही है, बाकी और जो 2 सवारी चढ़ जाएं तो किस किस का टिकट नहीं लगता सवारियों का, हरियाणा रोडवेज में किस 2 का टिकट नहीं लगता, ड्राइवर कनेक्टर नहीं देना उत्तर। पीके गोयत स्वागत है भाई आपका, हरियाणा रोडवेज में किस 2 का टिकट नहीं लगता, वो 2 सवारियों के बारे में बताइए जिसका टिकट नहीं लगता हरियाणा रोडवेज में, देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा इसका, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप रोडवेज की सवारी करने के हकदार हैं, बिठा कर ले जाएंगे वह सारे ने सारा हरियाणा घुमा कर ले आवाँगे, चिंता ना करो, अच्छे उत्तर दे रहे हैं बच्चे ही लग है। और देखते हैं और कौन सा अच्छा जवाब देगा, 5 परत होती हैं सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई, मुनीश मुंडाल जी आपने सही जवाब है बिल्कुल, पीके गोयत जी जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है, हरिकेश का अपना यूट्यूब है, थोड़ा सा शेयर करना, आज कंजूसी बरत रहे हैं, बिरयानी केक खा कर ना बैठे थे फेसबुक का शामी भाई। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं भाई हरियाणा रोडवेज में किसका टिकट नहीं लगता, हरियाणा पुलिस का एमएलए का, नहीं भाई ये कोई नियम है ही नहीं बिल्कुल, एक जो 2 नियम बना रखे हैं बस उनका टिकट नहीं लगेगा, चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स, बहुत बढ़िया देवेंद्र ब्यानाखेड़ा सही उत्तर आ चुका है, पुलिस का तो अपने क्षेत्र में जाएगा ना, पुलिस का अपने एरिया में जाएगी किसी काम से सरकारी काम से, जब नहीं लगेगा वैसे लग सकता है ऐसी कोई बात नहीं है। रामेर गोयत जी स्वागत है, दलविंदर जी पुलिस एमएलए नहीं है भाई, नरेंद्र शर्मा जी लाइव प्रश्न देख रहे हैं स्वागत है आपका, मनीष जी आर्मी का और पुलिस का नहीं भाई, वतन मनभोरी जी पुलिस का एमएलए का नहीं, फौजी पुलिस का नहीं भाई, फौजी पुलिस ना आए हैं, पुलिस और चिल्ड्रन का आ गया, 3 साल से कम का बच्चे का अलग नहीं लगता एक तो, और एक विकलांग का भी 100% विकलांग जब भी होता है उसका, 3 साल से छोटे बच्चे का तो मान लिया सही है, 60 साल से ऊपर का भी
अब वैसे नियम बना रखा है, अच्छी बात है, 60 साल से ऊपर का बहुत बढ़िया बिल्कुल, लेकिन उसमें भी आधा उधा किराया तो लगा ही है। नरेश गोयत का प्रो स्वागत है भाई आपका। 12 साल से बच्चे का नहीं भाई, एमएलए एमपी नहीं है, फ्रीडम फाइटर देवेंद्र भ्यान जी, बहुत बढ़िया, यही मैं ढूंढना चाहता था। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, दूसरा वो होता है और एक 3 साल से छोटा बच्चा होता है, उनका हमारे हरियाणा रोडवेज में फ्री होते हैं, बाकी एमएलए एमपी और ये तो मतलब कोई मायने नहीं रखता। सेवा सिंह मोहल जी स्वागत है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपका। जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल पर दृष्टिहीन हो मान लिया, ठीक है भाई, 100% होना चाहिए संदीप जी, और 3 साल से छोटे जगह बच्चा, लेकिन 100% हो जब भी होता है, दृष्टिहीन कम भी हो तो हो सकता है 100% से, तो भाई चिल्ड्रन और विकलांग नहीं होता, विकलांग नहीं, 3 साल से छोटा बच्चा और स्वतंत्रता सेनानी का टिकट उसमें नहीं लगता है। बहुत अच्छा कोशिश करी है बच्चों ने, चलो प्रयास करे, छोटे छोटे चुनू मुन्नू है, हमें 4 बिलात के हो भी तो 6-7 बिलात के हो जाओगे, जब मेरा पटा का इसी चीजों का कोई बात नहीं। वीरेंद्र दया जी स्वागत है भाई आपका। पूछो बच्चों को पास में बैठा और ज्यादा ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखते हैं भाई कौन सा और अच्छा जवाब देगा, आपने बताना है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप अच्छे माहिर माने जाओगे। मेघनाद किसका पुत्र था? रामायण से पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं भाई। कैंसर पीड़ित का, चलो अब नियम बना दिया है कैंसर पीड़ित का, अब भाई उसको कहीं कहीं यात्रा करने के लिए, लेकिन वो एक निश्चित रोड होता है उसका, जहाँ से अस्पताल और उसका घर होता है पता होता है, बाकी के रोड पर वो नहीं चल सकता, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी पूरे हरियाणा में जा सकता है, 3 साल का बच्चा पूरे हरियाणा में। तो नरेंद्र शर्मा स्वागत है भाई आपका। स्वतंत्रता सेनानी रवि मोहर, सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने भाई। मेघनाद किसका पुत्र था? सही उत्तर है रामफल राम जी, वतन मन भोरी जी, प्रदीप खटकर जी, सुप्रभात, देवेंद्र भ्यान जी, रावण का पुत्र था भाई, बहुत अच्छा बिल्कुल आशु, रामफल राम जी, सुशील शिवाज जी, प्रिंस चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौधरी साहब, योगी चौकान, राजेंद्र शास्त्री जी स्वागत है शामदो से, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। रवि मोहर जी सही उत्तर दिया आपने, मेघनाद किसका पुत्र था? रावण का, बहुत बढ़िया। कुलदीप पंगाल जी, आशीष जंगड़ा, अरे वाह जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई, आड़े तो रहे कोनी फंस दे भाई, तो मना सारे दाल आकर देख लिए कोनी आले वीर और सारे कोनी फंसा भाई, बना लगा लकड़ जो होकर निकलिया। कुलदीप गोयद कापड़ो सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, रावण, राकेश कुमार आईडी से सही उत्तर है। संदीप इसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी है, हाँ भाई मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत। वीरेंद्र दहिया जी स्वागत है, सही उत्तर दिया है। नरेश कौशिक जी नरवाना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरे सहपाठी गुरु भाई, कृष्ण राठी जी, योगेश पंडित, कौशिक जी नरवाना सही सही उत्तर दे रहे हैं भाई बिल्कुल, ये बच्चे कुशल ढोल जी, रावण का पुत्र था मेघनाथ, बहुत बढ़िया भाई, मेघनाथ रावण का पुत्र था। देवेंद्र बयान खेड़ा ने सही उत्तर दिया। राजेश कापड़ो सही उत्तर दिया है भाई, लंकेश का पुत्र था, बहुत बढ़िया। मनीष का सही उत्तर दे रहे हैं। अनुज गोयत जी कमाल कर दिया भाई, सारे चाला पैट दिया था हमने तो, कोने ध्यान दे कड़िया कड़िया, ना हरियाणा जी के में थे ये, ना गणित में, ना रीजनिंग में, और ना भाई इसमें रामायण महाभारत में ध्यान दे। विजेंद्र दहिया सही उत्तर है बिल्कुल। अंकुश कोथ स्वागत है जी आपका, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी बच्चों के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अपने शामिल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा सा और रही। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे भाई कौन सा एंटी जवाब देगा अभी इसका। भाई आपने बताना है जो हमारा संबंध कारक होता है, संबंध कारक की विभक्ति लिख दीजिए इसमें, संबंध कारक की विभक्ति लिखनी है आपने। संबंध कारक होता है, 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से इस तरह से, और संबोधन हे अरे रे कल पूछा गया था पहले, तो आपने बताना है संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। में होती है, पर होती है, से होती है, के द्वारा होती है, काके की रारे री होती है, हे अरे रे होती है, तो आपने बताना है भाई संबंध कारक की विभक्ति बताइए। प्यारे बच्चों हिंदी जो व्याकरण है वो बहुत ही गहरा और समझ का विषय है हमारे लिए, भविष्य के लिए 1 सप्ताह का काम है। अगर आपने 1 सप्ताह ध्यान दे लिया तो हिंदी व्याकरण में कोई कमी नहीं रह पाएगी आपकी, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ये चीज़ें हमारी अशुद्ध वर्तनी हो जाती है कई बार। भाई संदीप शर्मा साहिल उत्तर सही आ चुका है, साहू पुत जी स्वागत है आपका, आशु ने सही उत्तर दे दिया है, वतन मनभौरी ने भाई षष्ठी विभक्ति होती है सही उत्तर दे दिया संस्कृत में, सेवा सिंह मोहाल जी की तरफ से बच्चे ने, सुनील शिवाजी, लेकिन उसको विभक्ति को लिखना है आपने, लिख करके आपने ये बताना है कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं। आशीष जांगड़ा सही उत्तर है, देवेंद्र बयान खड़ा बहुत बढ़िया भाई। रवि मोहर जी जो संबंध कारक होता है हमारा वो का के की, यह पुलिस का आदमी है, यह मेरा घर है, रा रे री भी हो सकता है। विजेंद्र दया जी
राकेश कुमार का के की, यानी कि उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, जैसे वह में उसका ताऊ है, वह उसका ताऊ है, तो का के की आ गया उसमें, यह मेरा घर है। सही उत्तर राजेश कापड़ो, कुलदीप गोयत, योगेश पंडित साला पढ़ दिया भाई, हिंदी व्याकरण के भी ज्ञाता बैठे हैं, बैठ तो रामायण महाभारत भी पढ़ा है भाई, रीजनिंग भी पढ़ दिया है, या बालक मिनी थे बकरियां भी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखांगे भाई कौन सा जाना है भी अपने इतिहास के बारे में। वास्को डी गामा कड़ा का रहने वाला था भाई, ले भाई चुनू मुनू देखांगे भी। वास्को डी गामा 11 महीने की यात्रा के बाद जिसने भारत को खोजा था और जो हमारे भारत में 1498 में पहुंच गया था, और 100 साल पुर्तगालियों ने व्यापार कराया, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड के निवासी, डेनिश ये आए, तो आपने बताना है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। एक बहुत बड़ा खूंखार व्यापारी था और हमारे भारत में पहुंचा था, स्पेन के अधीन था वो देश, और वहाँ की महारानी ने बोला था भाई तुम जाओ ढूंढ के लाओ, एक तरफ तो कोलंबस चल पड़ा है, एक तरफ है वास्को डी गामा, कोलंबस ने अमेरिका खोज ली और वास्को डी गामा ने भारत, तो अमेरिका का तो नहीं था। देवेंद्र सही उत्तर है भाई, पंकज में उछात्र सही उत्तर दिया पिछले प्रश्न का आपने, बहुत बढ़िया बिल्कुल। कलकंदा साहब भाई अमेरिका का नहीं था, आशीष जांगड़ा अमेरिका का तो नहीं था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी भाई। रामफल राम जी सही उत्तर है। संदीप शर्मा जी खुशी ढुल जर्मनी का तो नहीं था भाई, अमेरिका का नहीं था। राकेश कुमार आईडी से कोई बात नहीं बच्चे तुक्का मार रहे हैं। विजेंद्र दहिया सही उत्तर है बिल्कुल। रवि मोहर जी अमेरिका का नहीं था, बच्चे को सुधार करवाएं थोड़ा सा। शिषपाल जी सही उत्तर है। राजेश कापड़ो सही उत्तर है। दलवेंद्र ब्यानाखेड़ा सही उत्तर है बिल्कुल। कुलदीप पंघाल, बलजीत शास्त्री, नरेश गोयत कापड़ो, नरेंद्र शर्मा, सुनील राठी, सारे ने चाला पाट दिया भाई, बढ़िया उत्तर भाई बिल्कुल। अंकुश कोत आते ही सही उत्तर दे दिया आपने, अंकुश कोत आई डी सी, बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं जी। पंकज में उछात्र सही उत्तर है। आंसू जस्सी ढांडा सही उत्तर है भाई बिल्कुल। बलजीत जी शास्त्री, बलजीत जी स्वागत है आपका। मनीष मुंडाल जी सही उत्तर दिया भाई। कुलदीप गोयत का आई डी सी, पुर्तगाल स्पेन के अधीन था उस टाइम पर, 11 महीने की यात्रा के बाद जहाजी बेड़े के साथ भारत में कालीकट पर जयमोरी नामक राजा ने उसका स्वागत कराया था, जो स्वागत नहीं करा रोड़ है उसने मार के गेट देर समुद्र में, क्या ना अपना देश गुलाम हो और क्या ना उन्हें बेरा पाठ भारत का कड़स है। चलो कोई बात नहीं, पुर्तगाल का रहने वाला था, अच्छी उत्तर दिया योगेश पंडित जी। संजू गोयत जी सही उत्तर है भाई बिल्कुल सही। संजू गोयत जी बच्चे का नाम बताएं पास में बैठा है जो। अगला पदार्थ बताना आपने भाई, जो खट्टे पदार्थ हो आपने उसमें कौन सा विटामिन वह है, विज्ञान का प्रश्न है, देखते हैं कौन विज्ञान का माहिर है। नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसमी है, तो ये चीजें आप खाते होंगे। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है। सुशील कुमार जांगड़ा स्वागत है भाई आपका, पुर्तगाल सही उत्तर दिया बच्चे ने। राकेश कुमार लाइक कर रहे हैं, लाइक है भाई सभी को, आप भी हमारी तरफ से चुनू मुनुओ बिल्कुल। आशीष जांगड़ा विनय कुमार का उत्तर इसका मतलब आ चुका है। शिषपाल वर्मा, रामफल राम जी, अरे वाह कमाल कर दिया भाई। वेदपाल जी, वतन भरमोरी जी, सारे जमा एंड एंड जवाब देने लग रहे हैं भाई, कोनी ध्यान दे भाई, भाई ये कोनी थे भाई, गाने तेज बालक से चाला पाट दिया था हमने तो जमा सही। मोनिका सही उत्तर है बिल्कुल। संदीप शर्मा, साहिल जी, देवेंद्र जी उत्तर मैं बाद में बोलूंगा, कई तो बालक इसे उंगली पकड़ गया, पहुंचा पकड़ लिया यार, मतलब नकलची बंदर, तो इसलिए मैं उत्तर का जवाब नहीं बोलूंगा अभी। कुलदीप जी सही है आपका जवाब, सही है। पंकज में छात्र जी आपके जवाब को मैं उत्तर के रूप में नहीं बोल सकता अभी। राकेश कुमार जी सही है बिल्कुल। महाले को बिछड़ेगा, बी बताओगा, डी बताओगा, ई बताओगा, के बताओगा, प्यारे चुनु मुनुओ विटामिन सी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। दलविंदर ब्यानाखेड़ा जी, मनीष जी, नरेश गोयत कापड़ो, रविंद्र राखी जी स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पर। रविंद्र राखी जी सी उत्तर सही दिया बिल्कुल आपने। मनीष जी कुशल ढोल, अरे वाह सभी में विटामिन सी होता है। अनिल कुमार, रविंद्र राखी जमा चाला पाट दिया भाई सारे नाम भाई। जस्सी ढांडा बहुत बढ़िया, जयेश ढांडा जी, मनीष बहुत बढ़िया, संदीप शर्मा भाई एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है इसको, बहुत बढ़िया बिल्कुल अच्छी जानकारी दी। कृष्ण राठी जी स्वागत है आपका, हमारे बच्चों के गुरु जी जुड़ चुके हैं और सी उत्तर दिया है। देवेंद्र जी, गोयत साहब, वनंत भनभोरी, वतन बेस्ट, शुभम जी स्वागत है आपका, बेस्ट साहुन जी, योगी शोकन सही उत्तर दिया भाई, विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में, कमाल कर दिया भाई तमें, तमें को नहीं ध्यान दे भाई, तमें तो सारे दाल आके देख लिए, मन तो यू दा और रजमा सोल जो है सारी धरती ने ठह के लियाना पड़ेगा तारा शामी, ले भाई सारी धरती उठ गई है देख लियो भाई जमा जो। आपने बताना है प्यारे चुनू मुनुओ
इसमें जो सात महाद्वीप हैं, चार महासागर हैं, और आपने बताना है भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत का नक्शा है दोनों तरफ इसके कौन कौन से महासागर को दो भागों में बांटा गया है। भारत के जो महासागर लगता है हिंद महासागर, उसके जो पश्चिम में और पूर्व दिशा में दक्षिण भारत के कौन कौन से क्या क्या हिस्से लगते हैं महासागर के, महासागर के हिस्से बताने हैं भाई, जो पानी के हिस्से हैं भारत के दोनों तरफ, जो एक पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में जो मतलब हिंद महासागर के दो हिस्से हैं, उन दोनों के नाम बताने हैं भाई। आपने बताना है हिंद महासागर भारत को दक्षिण दिशा में छूता है, उसके भारत के त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है जो, वो क्या क्या कहलाता है हिंद महासागर का हिस्सा। देखांगे भाई, कड़े बिछड़ांगे बनार लग गया है भाई, कड़िया निकड़िया तो फंसेंगे, कड़ लानी पड़ेगी इनकी तो भाई, घने तकड़े हो जो दूध पीवा रोज निकलू के करूँ भाई, मैं इन्हू कह दू हूँ दूध पिया करो, मैं तकड़े बना दू हूँ और फिर मेरी ये कड़ लाए दिए हैं। अरे ये कड़े लुवाने में मजा है, चुनू मुनू प्रेरणा देनी है तारा ते, अगली पीढ़ी संभालने भी जरूरी है। आशीष जांगड़ा सही उत्तर दे दिया भाई, चमा चाला पाट दिया है। सेवा सिंह मुआल के पास बच्चा बैठा है, दोनों के उत्तर सही दे दिए बिल्कुल आपने, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बिल्कुल। रविंद्र राखी जी हिंद और प्रशांत तो नहीं है भाई, हिंद महासागर मैंने बोल दिया था, प्रशांत महासागर कोई और महासागर है। आपने बताना है हिंद महासागर दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये मान लिया ये खाली जगह, ये प्रायद्वीप पे पठार है, इस हिस्से को और इस हिस्से को क्या बोलेंगे। वतन वन भोरे जी एक उत्तर आपने बता दिया, खेड़ी को नहीं भाई, खेड़ी जा लो तो अपना पड़ोस गुआंड है, खाड़ी है, सही उत्तर है। नरेंद्र शर्मा जी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भाई वाह कमाल कर दिया बिल्कुल। बेस्ट श्रावण जी स्वागत है आपका, यूट्यूब चैनल का नाम छोड़ रहे हैं बीच में, स्वागत है भाई। योगेश पंडित जी अरब सागर है, बहुत अच्छा भाई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। रविंद्र राखी जी बहुत बढ़िया, कुलदीप पंगाल जी, रवि जी, रविंद्र राखी बहुत अच्छा भाई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सही उत्तर दिया बच्चों ने, चुनु मुनुओं ने, बहुत बढ़िया भाई। बलजीत जी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है भारत के पूर्व पश्चिम में, दक्षिण जो हिंद महासागर लगता है दक्षिण दिशा में। हरस वंश सही उत्तर दे रहे हैं भाई बिल्कुल, अरब सागर बंगाल की खाड़ी। आकृति और दीप्ति ने सही उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। योगेश पंडित जी, दलविंदर जी कई आईडी एकदम ऊपर उछाल मार जाए हैं भाई, एकदम गदड़ गदड़ उत्तर आ जाए हैं, और गदड़ गदड़ में मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, इतना तेज आ जाए हैं। तो अरब सागर खुशी ने सही उत्तर दे दिया है, कुलदीप पंगाल अंश ने सही उत्तर दे दिया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर लगते हैं भाई। सर आपने चैनल का नाम बताओ बे, बेस्ट साहू जी आपके चैनल का नाम इसमें आपने चलो छोड़ दिया है, मेरे चैनल का नाम हरिकेश कापड़ो है भाई, YouTube चैनल हरिकेश कापड़ो, Facebook आईडी भी, Facebook पेज पे जरूर आ जाओ भाई, भविष्य में Facebook पेज पे प्रश्नोत्तरी चल जा करेगी, भविष्य में थोड़ा सा अभी चल रही है, 5000 फ्रेंड पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा फ्रेंड की मैं रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, पुरानी आईडी भी मिटाई है कुछ, लेकिन भविष्य में Facebook पेज हरिकेश कापड़ो को जरूर लाइक कर लें, ताकि भविष्य में प्रश्नोत्तरी के जवाब आप वहाँ पर दे सकें। एक अच्छा मंच है प्यारे चुनु मुनु आपके लिए, और इतना आपकी पढ़ाई चलेगी, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना का बाप हो, ये पढ़ाई नहीं रुकेगी शायद, ऐसी हम आशा करते हैं भगवान से। तो नरेंद्र शर्मा जी इंदिरा पॉइंट है दोनों के बीच, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है जो सबसे दक्षिण का बिंदु है अपना, और सबसे उत्तर का जो है वो कश्मीर में है, वो भी इंदिरा के नाम से ही है। तो आपने सही उत्तर दिया है बिल्कुल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, पवन शर्मा सही उत्तर है बिल्कुल भाई आपका, बहुत अच्छा बिल्कुल, शाबाश आपने सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग से आ रहा है, रीजनिंग से है भाई, ताऊ बर्थू और भाई फोन आने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, कोई बात नहीं। ताऊ बर्थू ताऊ मोलू है भाई, बर्थू दो रहा तो थोड़े रुपये थे, और मोलू दो रहे गणे रुपये थे, ओ बर्थू नु बिल्या थोड़े रुपयाला नु बिल्या रे मोलू, मेरे तो 1 रुपया दे दे आपे बराबर हो जाएंगे, बर्थू नु बोलिया मोलू तय नु बुलिया मैंने 1 रुपया दे दे आपे बराबर हो जाएंगे, और मोलू नु बोलिया ना भाई देन दान ना कोनी तो मैंने 1 दे दे मैं तेरे तक दुगुने हो जाऊंगा, मेरे पे तेरे तक दुगुने रुपये हो जाएंगे। तो हम दिल से कुछ सीखने को मिलते हैं हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल से, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दलवेंद्र ब्याना खेड़ा जी कह रहे हैं भाई चैनल का धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद भाई, शेयर कर दियो अपने सगैर पतार में आस पड़ोस में सारा बांट दियो भाई, जानकार अनजान जे कोई दुकानदार भाई भी है, किसान भाई भी है, या कोई फौज में लग रहा है पुलिस में लग रहा है, वो अपनी ड्यूटी करें जाओ के बिरा धारा बता वो फायदा उठाएं जाओ के बिरा सुने जाओ है, पहली तले का पांचवी तक का सारा सिलेबस है। और भाई नरेश गोयत कापड़ो सही उत्तर आ चुका है भाई आपका बिल्कुल, ताऊ बर थूर ताऊ मोलू दो रहे अपने
भाई देखेंगे भाई कौन से और जवाब देंगे। राजेश कापड़ो ताऊ पर थू दो रुपये थे थोड़े मोलू दो रहे गणे पर थू नु बिल्या अरे मैंने एक रुपया दे दे आपे बराबर हो जाएंगे मोलू नु बिल्या तो मैंने एक दे दे नहीं सा है तो धनी मैं तेरे तक दुगने हो जूंगा तो बताना है भाई पर थू दो कितने रुपये थे मोलू दो कितने रुपये थे देखेंगे भाई। वीरेंद्र गोयत कुलदीप पंघाड़ पवन शर्मा रामफल राम रीजनिंग के माहिर से हाथ लग गया भाई आज को निकट लो आंदे भाई मेरे भाई ना भाई गणे तकड़े हो गए बनार लग गया है टिंडी की खा करो फिर आहा अच्छी बात सहगी लड़ीवा हाथ मार जा करो कि मैंने इस चीज की चोरी हो अगर बढ़िया है अपने नुए आगे पाछे तक दिया करो सोदन है कि मैंने मैं खाओगे अच्छी तरिया और मतलब उनके फोका पानी में ठूक अटाऊंगे भाई कि मैं खावांगे गात में गेटांगे जुए कैम आओगा बुद्धि बटेगी अच्छा विद्वान बनोगे जवान बनोगे देश की रक्षा करोगे। बहुत सही अंकुश गोयत है आंसू है योगेश पंडित है वीरेंद्र दैया है भाई अंकुश कोथ है कमाल कर दिया भाई सारे ने रवि मोहर जी सही उत्तर है बिल्कुल राकेश कुमार जी एंडी जवाब देवा है भाई बालक भाई सारे बहुत बढ़िया भाई ताऊ पर थू दो रहे पांच रुपये थे और ताऊ मोलू दो रहे सात रुपये थे बर थू नु मिला एक दे दे बराबर हो जाएंगे छह छह हो जाएंगे और एक और तीन तो नहीं है दवेंद्र भ्यान जी एक और तीन नहीं होंगे क्योंकि उस पता एक चला गया तो चार गुना यानी कि अनंत गुना हो जाएगा वो तो जीरो और चार हो जाएंगे वो तो फिर दुगुना नहीं होगा दुगुना नहीं होगा बराबर तो हो सकते हैं उससे लेकर के एक और तीन में लेकिन दुगुना नहीं होगा और पांच और सात में सही फिट बैठा है बिल्कुल सही उत्तर आया है और प्रश्न से पहले उत्तर स्क्रीन पे आ जाते हैं। हाँ ये टेक्निकल मामला है साथियों मैंने भी देखा आजमास करके बाद में मैंने जब उसको दोबारा देखा वीडियो को तो ये समस्या मिली जो प्रश्न बोलने से पहले ही उत्तर आ चुके हैं ये ऐसा मतलब समस्या है कई कोई तकनीकी मामला है भाई मैं इतना तो इंजीनियर शौकों ने भाई इसमें कोई समस्या का सुधार करते हूँ ये तो कोई मतलब नेटवर्क से ही संबंधित दिक्कत है। जमा लठ गाट रखे विजेंद्र दया कवा है भाई बहुत बढ़िया बिल्कुल दया साहब बच्चों को दिखाओ विपुल को एक बात समझ में आती है बोलने से पहले उत्तर क्यों आ जाता है भाई ये समझ में से बाहर है मेरे से भी क्योंकि ये टेक्निकल मामला है साथियों और पहले उत्तर आ जाते हैं जो आप बाद में मैं बोलता हूँ तो ईसा तो न्यू साहबों ने भाई यहाँ खंडाली दादी हर पूछा हुआ है इनने ये पहले उत्तर बता दिया है कहीं ना कहीं तो मतलब टेक्निकल मामला ही है जो आवाज़ मेरी बाद में पहुँचती है कोई रेंज की दिक्कत है कोई पवन कौशिक स्वागत है भाई भोंगरा से आपका और सही उत्तर दिया है बहुत से बच्चों ने एक और तीन रविंद्र राखी जी थोड़ा सा सुधार करवाएं कोई बात नहीं रविंद्र राखी जी एक और तीन बता रहे हैं एक और तीन में तो दुगुना तो नहीं होगा जीरो और चार गुना यानी कि वो तो अनंत गुना हो जाएगा जीरो का गुना कितना ही कर ले चाहे तो पाँच और सात रुपये थे ताऊ पर थू दो पाँच रुपये थे ताऊ मोलू दो सात रुपये थे वो एक रुपया उसने दे दे तो बराबर हो जाएंगे वो उसने दे दे तो चार और आठ हो जाएंगे यानी कि दुगुना हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल था बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने आपने मतलब अगर इसी तरह से जवाब देते रहे तो आप अच्छे जीनियस कहलाओगे प्यारे चुनु मुनु। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है अगर आपने इसका उत्तर दे दिया है तो आप इसका मतलब अच्छे और माहिर माने जाओगे। आपने बताना है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक ही खिलाड़ी को मिला है आज लग भारत रत्न से कौन सम्मानित हुआ है खिलाड़ी। हालांकि और राजनीति में वालों को या कोई सामाजिक आदमियों को भारत रत्न मिले हैं भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अधिक से अधिक मतलब सम्मान माना जाता है इसको भारत का। आपके प्रतियोगिता कराने का तरीका बहुत अच्छा है पंकज में छात्र जी बता रहे हैं धन्यवाद भाई आपका पंकज साहब आपने समझ में आता है हरियाणवी बोली में बोल रहा हूँ भाई ज्यादा समझ में आवा है। एकमात्र खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला है देखते हैं भाई कौन सा जवाब देगा आशीष जांगड़ा अरे वाह वीरेंद्र गोयत कमाल कर दिया भाई अरे को विराट कोहली भी लिख दो कोई कपिल देव भी लिख दो गलती कर दो कि मैं थे जोगे अरे पेपर आउट हो गया कैसे हो गया पेपर आउट है अरे तो ठीक बोलो लग रहे हैं राजेश कापड़ो रवि मोहर सचिन तेंदुलकर रामफल राम जी बहुत अच्छा भाई नरेंद्र शर्मा राकेश कुमार रवि मोहर बहुत बढ़िया भाई सारे ने एंडे एंडे जवाब दे दिया भाई तमने तो भाई तमें को नहीं ध्यान दे भाई रवि मोहर जी सही उत्तर है बिल्कुल बुढ़ियाला सवाल भी आपके सामने जल्दी आने वाला है। कुलदीप गोयत सही उत्तर है वीरेंद्र भ्यान जी दैया जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई एकमात्र खिलाड़ी जिसको भारत रत्न मिला है तो देवेंद्र भ्यान जी सही उत्तर है बिल्कुल अनुज गोयत जी नरेश कुमार गोयत कापड़ो राकेश गुप्ता जी स्वागत है नमस्कार सर आपका सक्षम बनाने में हरियाणा को श्री राकेश गुप्ता जी का बहुत अहम योगदान है और मैं हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब चैनल लाइव पर स्वागत करता हूं आपका। जयेश ढांडा जी आशु गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई आपका एकमात्र खिलाड़ी जिसने भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर जी हैं
श्री राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी। मैं आपको परिचय के लिए बताना चाहता हूँ, पहली तले के पांचवी लग का सारा सिलेबस ऋकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ठेठ हरियाणवी भाषा में डाल रखा है, और साथ ही साथ में टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, पहाड़े 1000 वर्ग की फोरम, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, हिंदी व्याकरण की समझ, इंग्लिश ग्रामर की समझ, साथ ही साथ में भारत के नक्शे, भूगोल आदि की बहुत सी अच्छी जानकारी ऋकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। गेड़ा मारियो वह घोड़ के प्या दो अपने बड़का ने ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न आपने बताना है, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से माहिर माने जाएंगे हिंदी व्याकरण के। आपने बताना है प्यारे चुनु मुनुओ, हवा से बातें करना इसका अर्थ के है, हवा से बातें करना। सचिन तेंदुलकर सही उत्तर दिया, बिल्कुल। दलवेंद्र जी, मनीष गोयल जी, मुहावरा आ गया आपके सामने, हवा से बातें करना शुद्ध हिंदी का मुहावरा है। हरियाणवी के मुहावरे भी आपसे पूछे जाते हैं, जो करे गंजे की मौत आवे और कांकरा में कोई कुलाबाती खावे, तो मतलब वो हरियाणवी मुहावरा पूछा गया था। आपने सही जवाब भरे थे आपने बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है, देखते हैं वह कौन अच्छा जवाब देगा। हवा से बातें करना, खुद से बात करना तो नहीं होता, आशीष जंगड़ा विनय थोड़ा सा सुधार कराएं बेटा, खुद से बातें करना नहीं होता, हवा से बातें करना। देखते हैं कौन सा अच्छा जवाब देगा। आकाश से बातें करना तो होता है, बहुत ऊंचा होना, जैसे कोई अच्छी बिल्डिंग ऊंची हो तो आकाश से बातें करना हो गया, और हवा से बातें करना क्या होता है, देखते हैं भाई कौन आंटी जवाब देगा। बहुत तेज दौड़ना, अरे वाह, देवेंद्र भ्यान जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। रामेंद्र यादव जी स्वागत है, संदीप शर्मा साहिल जी बहुत तेज गति से चलना, विनोद बुरा जी स्वागत है आपका भाई, धीरेन्द्र शास्त्री भारद्वाज मैं ऋकेश शास्त्री का पूर्ण स्वागत करूँ, राम राम भाई साहब, पंकज मेहो छात्र बहुत बढ़िया उत्तर दिया भाई, हवा से बातें करना आशू सही उत्तर दिया, नरेंद्र नरेश गोयत कापड़ो ने, रवि मोहर ने, योगेश चौकंद ने, भाई वाह चाला पाट दिया भाई, तुम लोग ढूंढे ठा रखे छूट दिया माड़ा तो। विजेंद्र दैया बहुत तेज दौड़ना, बहुत अच्छा भाई शाबाश, आप भी बहुत तेज दौड़ते हैं प्यारे चुनुमुनु, आपके दिमाग के घोड़े भी बहुत अच्छी तरह से मतलब आप दौड़ाते हैं, अच्छे उत्तर देते हैं। विनोद बुरा जी बहुत तेज दौड़ना, आर एस आर्या जी बहुत लेट जुड़े भाई, अपने सागर और रोबिन को दिखाओ तेज दौड़ना होता है। कुलदीप पंघाल जी, राकेश कुमार जी सही उत्तर दिया बिल्कुल खुशी ने, दैन तेज भागना, तेज भागना होता है, सही है बिल्कुल भाई, हवा से बातें करना। तो मुहावरे में बात कुछ और होती है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, और ये हमारी कहावतें होती हैं, समाज का एक निचोड़ होती हैं, एक तरह से मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं जो। बहुत तेज दौड़ना सही उत्तर, कुलदीप गोयत का प्रो, दरवेंद्र ब्याना खड़ा सही उत्तर है भाई, योगेश पंडित जी, शोकन जी, योगी शोकन सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, मनीष मुंडाल जी स्वागत है आपका, बहुत तेज दौड़ना सही जवाब दे दिया भाई, बिल्कुल कमाल कर दिया भाई तुमने तो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे भाई कौन सा जवाब एंडी देगा। अरे 12:21 हो रही हैं, 12:21 हो रही है, इसी समय देखने पर कितना टाइम दिखेगा भाई, सैनी जमा चाला है जे आपे 12:21 हो रही है और उसका आगे ऐसे शीशा धर दिया तो शीशा में देखना पै घड़ी की सुईयाने की बात है, कदे नंबराने की बात सोचने लग जो भाई, जो 12:21 हो रही है और शीशा में देखने पर कितना टाइम दिखाई देगा। नमस्कार सर, लेट हो गए, रमेश देव जी यादव स्वागत है भाई आपका, रमेंद्र जी कोई बात नहीं, लेट हो गए भाई, तो पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है बछले, यले सारा हाथी लकड़े लिया, थोड़ा सा पुंजड़ पुंजड़ रह गया, कोई बात नहीं, बाद में दिखा दियो बड़का ने भाई, ये तो चाहे सांझा ना देख लियो, हालांकि मैं लाइव नाम तो नहीं देख पाऊंगा बाद में तो। तो राजा दशरथ ने जो ही लगाम हिलाई चेतक हवा से बातें करना वाक्य में प्रयोग भी कर दिया भाई संदीप शर्मा साहिल ने, बहुत बढ़िया बिल्कुल, और संदीप शर्मा साहिल ने एक बात स्वीकार की थी भाई, आए नहीं आप आगे पता नहीं, लाइव प्रसारण के लिए कह रहे थे ये, मैं भी लाइव प्रसारण प्रश्न पूछा करूंगा भाई, पूछो बहुत बढ़िया, और भी शिक्षक साथी आगे ताकि पूरा हरियाणा में एक लहर सी फैल है। रघुवीर गोयत कापड़ो स्वागत है भाई आपका, मनीष सुधांशु जी तो थैंक यू सर बोल रहे भाई, अनिल जाट जुड़ गया भाई, जाट साहब स्वागत है, नाइस, और देवेंद्र जी बयान चार बता रहे हैं भाई, नहीं सागर 11:40 बता रहे हैं, थोड़ा सा फर्क रह गया भाई, अनिल जाट आशीष जांगड़ा चार कैसे आ गया भाई, 12:21 पर शीशे में देखा तो कितना टाइम दिखेगा। कुलदीप पंघाल बिछड़ गए भाई बालक, दो तीन दिन बाद आ गए, अच्छा अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया भाई, लाइव प्रसारण और भी साथी आगा हुआ भाई, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देख अच्छा मंच मिले मौका मिले प्रसारण के लिए, अपने अपने फ्रेंड सर्कल हुआ भाई, मेरे फ्रेंड सर्कल 5000 अलग हैं, आपके अलग हैं, वो किसी और के अलग हैं, तो सभी बच्चे ज़्यादा ज़्यादा हरियाणा में एक लहर सी दौड़ जाएगी,
विजेंदर दहिया सही उत्तर आ चुका है पहला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आप जीनियस बने हैं बच्चे। और ये बच्चे की मिलनसारिता बहुत अच्छी लगी मेरे को, मैं झज्जर में ठहरा था आपके पास। विजेंदर दहिया इस बच्चे के मतलब एक बुद्धि लब्धि अच्छी है, आईक्यू बहुत अच्छा है, मेरे साथ इतना प्यार से बताया, आज लग बच्चा कोई ऐसा घुलनशील नहीं मिला मेरे को। पवन शर्मा 12:39 सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे पोतर ने सही उत्तर दे दिया है भाई इसका मतलब। और कुलदीप पंघाल जी 12:21 पर 12:39 को दिखे। बलजीत शास्त्री जी थोड़ा सा चकरा गया बच्चा, 48 हुई में गड़बड़ हो रही है भाई। अंकुश कोथ जी 12:39 नहीं दिखेंगे, 39 नहीं दिखेंगे, 21 का 39 हो जाएगा, लेकिन 12 के 12 कैसे दिखेंगे, थोड़ा सा और सुधार करवाएं कोई बात नहीं। 12:21 पर शीशे में देखने पर कितना टाइम दिखेगा, 12:39 नहीं होंगे, 11:41 भी नहीं होंगे, आंसू 12:39 नहीं होंगे, 6:51 भी नहीं होंगे, थोड़ा सा सुधार करवाएं, बच्चे पिछड़ लिए हैं भाई, ईब कर लगी है कहना जू के थे हमें कौन थे जमा गणे अंडी पैक रहे थे, कोई बात नहीं कड़ाली, कोई बात नहीं बेटा प्यारे चुनु मुनुओं, आपने सुधार करना है, नया सीखना है, सॉरी नहीं बोलना बिल्कुल भी, गुरुजी मैं काम जा रहा हूँ सॉरी, कोई बात नहीं भाई, अगर आपने काम है तो आप आराम कर सकते हैं अपना, मैं भी पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है बस आराम करूँगा ही। अरे भाई इतना हलवा चढ़ुआ लो गर्म गर्म थोड़ा सा खा लेंगे, सारे फोन में गेट दियो, दो चार कड़छी चमचा का काम नहीं चल रहेगा, गणा गला दुखन लग जाए रोज की रोज। अगर भाई मनीष मुंडाल जी, कुलदीप गोयत कापड़ो जी 12:39 थोड़ा सा गलती कर गए बच्चे, अनुज गोयत जी 12:39 नहीं दिखेंगे, शीशे में देखने पर 12:21 पर कितना टाइम दिखाई देगा, 12:21 पर कितना टाइम दिखाई देगा, तो देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। सीधी सीधे सीसी दुआई बता दूं भाई, अरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी बता रखा है, 23:60 मत घटा दो बस, जे 11:12 का टाइम होने तो 23:60 मत घटा दो, मिनट एक से लिख दो, घंटे एक से 23 लिखना है, 24 नहीं लिखना, 23:60 मत है 12:21 घटा दो, 11:21 दिखाई देवेंगी। और जे 11 बजे तक कम का टाइम हो तो 11:60 मत घटा दो, जुकर 9:37 हो रही है तो 11:60 मत घटाओगे उसने, और 11 तो ऊपर का टाइम है तो 23:60 मत, यू रीजनिंग की देसी पुड़िया है भाई जे समझ गए हो तो 11:39 दिखाई देंगी। राजेश कुमार जी स्वागत है आपका, बिल्कुल बुढ़ियाला सवाल आपके सामने आ रहा है भाई, मेरा बाबू ऊंटनी लड़ाख्या करता भाई, कई साल रेडी भाई मेरा बाबू ने, और खेती भी करी बहुत, खेती और किसान है बिल्कुल, भी 90 साल की उम्र हो रही है, हर साइड के प्लाट में 10 डाल की सब्जी ला रहे हैं, तो मतलब खैयाड़ आदमी है, और उन्हें का कर्म करे हुए का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, जो आज मैं एक अध्यापक बनकर आपके सामने बोलने लग रहा हूँ। तो भाई मेरा बाबू ऊंटनी राख्या करता, ऊंटनी ब्यागी, और वाह मतलब ऊंटनी रोज 20 किलोमीटर बाद जाती थी, रोज 20 किलोमीटर बाद जाती थी, और उसका बच्चा एक दिन तो बच जाए 1 किलोमीटर, बुढ़ियाला सवाल है भाई, वह तो ऊंटनी तो रोज 20 किलोमीटर बाद जाए है, जुकर सोमवार ने भी आई थी सवेरे तो मंगलवार ने सवेरे लग 20 किलोमीटर जा ली, बुधवार ने फिर 20 जा ली, इस तरह से या तारीख ला लो, तो उसका बच्चा रोज का सर वाला दिन तो बच जाए 1 किलोमीटर, अगला दिन चलिया 2 किलोमीटर है, अगला दिन चलिया 3 किलोमीटर है, अगला दिन चलिया 4 किलोमीटर, इस तरह रोज का 1-1 किलोमीटर बढ़ता जावे है, तो कई दिन में वो बच्चा पकड़ लेगा उस ऊंटनी ने, और ध्यान से सुन लो भाई, ऊंटनी रखा है मेरा बाबू, आ ऊंटनी ब्यागी कड़िया, आर भाई खेत खात्मा हुआ बैजली तो 20 किलोमीटर रोज बाज जाए हुआ, और उसका जो बच्चा है वो पहले दिन तो बाज जाए 1 किलोमीटर, कौन चले गया भाई जामन हुए था, कोई बात नहीं भाई लड़खड़ा के पैर को हिम्मत हो बेचारा पै, अगला दिन 2 किलोमीटर चलिया, उसका अगला दिन 3 किलोमीटर, अगला दिन 4 किलोमीटर, अगला दिन 5 किलोमीटर, इस तरह से अगला दिन 6, 7, 8, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1,000 कीड़ी लाख करोड़, मतलब कहने का यू है कई दिन में पकड़ लेगा, ये आपने बूढ़ियाला सवाल काटना है। अरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर भी देखियो, यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक चैनल पर आपके सामने साए, और भाई ताता ताता हलवा बन गया हो तो भाई 2-4 कड़छी गेट दियो, एक दूधू राजा पी लियो, और भाई जे कोई बच्चा शेयर नहीं करेगा और तब तड़कना हाथी वर्गा कान हो जाएगा, एक देख लियो बड़को तड़का, फिर मिलेंगे अरिकेश का अपनो फेसबुक चैनल पर। ई भाई सारे साथिया ने, थानेदार सिपाहिया ने, बहन भाइया ने, लोग लुगाइया ने, चाची ताइया ने, राम राम भाई।